Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे कृष्णा घर घर में प्रभु मक्खन चोरी करते थे। मख मतलब होता है क्रोध और नाम मतलब होता है नहीं। ठाकुर जी किस चीज की चोरी करते हैं? जहां पर काम क्रोध लोभ मोह मत मात्सर्य नहीं, ठाकुर उसी चीज को ही चोरी करते हैं। एक दिन मैया जसोदा सोच रही हैं, तो रोज रोज ये गोपियां आकर के बोलती हैं तेरे लाला मक्खन चोरी करता है, मक्खन चोरी करता है। क्या मेरे घर का मक्खन स्याद खट्टा होता होगा और दूसरे गोपियों का घर का स्याद मक्खन मीठा होता है, इसलिए मेरे लाला दूसरे घर में मक्खन चोरी करता है, इसलिए आज अपना हाथों से मैं मक्खन बनाऊंगी। इसलिए मैया जसोदा की गैया जितनी गैया थी 9 लाख गैया में 8-10 गैया थी जिस गैया की कान काला रंग के हो, कहते वो गैया की जो दूध से कमल फूल का खुशबू निकलती है उसको पद्म गंधा गावी कहते हैं। इसलिए मैया जसोदा ने अपना हाथों से दूध को निकाली, अच्छे तरह से गर्म किया कंडे से। कैसे गर्म किया? कंडे से। और कौन सा पात्र? स्टील नहीं, मिट्टी का पात्र से। अब देखना मिट्टी के पात्र से कंडे जैसे गर्म करो, उसमें थोड़ी रख लो, कैसे दूध हो जाता है? लाल हो जाता है, हैं? एकदम बढ़िया लाल बनाए और उसमें जमन डाल दिए और एकदम सवेरे सवेरे उठ करके दोनों हाथ से मंथन कर रही थी। हाथों में तो मंथन कर रही थी और मुंह में क्या कर रही थी? बोले गोविंद दामो दर माधवेती, गोविंद दामो दर माधवेती, गोविंद दामो दर माधवेती, गोविंद दामो दर माधवेती। हाथों से सेवा कर रही थी और मुंह से ठाकुर का नाम ले रही थी। मैया शिक्षा देती हैं, हाथों में तो काम करो, काम नहीं ठाकुर को सेवा। जो कुछ करते हो क्या सोच करके? झाड़ू लगाओ तो कहाँ झाड़ू लगा रहे हो? घर में नहीं, कहाँ लगा रहे हो? भगवान के मंदिर में। रसोई बना रहे हो किसके लिए? कान्हा के लिए। बच्चों को थपथप लगा करके सुला रहे हो, इधर तो बच्चे को सुलाती हो और मुंह में क्या करो? गोविंद दामो धर्माधवती। हाथों में काम और मुंह से ठाकुर जी की ना, बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, इससे ही बेड़ा पार हो जाएगी, समझ रहे हो? इसलिए देखो अगर ठाकुर का सेवा करोगे, मुंह में ठाकुर का नाम लोगे, उसका फल क्या है? कृष्ण मिलेंगे, कृष्ण मिलेंगे। इतने में मैया जसोदा हाथों में कंगन पहन के रखी थी, हैं? और ऐसे ऐसे जब दधि मंथन कर रही थी, इतना बड़ा पटकी जिसमें 1 क्विंटल दूध हो, और जोर जोर से जब मंथन कर रही थी, घर 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 शब्द हो रहा था, और हाथों में जो कंगन पहन कर रखी थी इसकी आवाज हो रही थी। जैसे हम कीर्तन करते ना मजरा बजाते हैं, ये कंगन मजरा की काम कर रहा था, और जो उसमें घर 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 शब्द हो रहा था
जैसे ढोलकी बजाते हैं प्रभु जी हैं, इसलिए मानो इधर मुंह में कीर्तन और उसमें कंगन और उसमें मृदंग ढोलकी। आप देखना ये ढोलकी से एक आवाज निकलती है, ध्यान देकर सुनना, उसका जो आवाज है धिक्तांग धिक्तांग धिक्तांग, मतलब क्या, बोले उसको धिकार है। बोले किसको धिकार है? बोले जिनको ठाकुर ने ये मानव शरीर तो दिया, लेकिन ये मानव शरीर पा करके जो भगवान की भक्ति नहीं करते है ना, उनको जीवन को धिकार है, उनको जीवन को धिकार है। इतने में कन्हैया की नींद टूट गई, कन्हैया पलक से उतर निकले और पीछे आकर के मैया को पकड़ ली। बोले मैया मैया मेरे को भूख लग रही है, मेरे को दूध पिला दे। बोले लाला तेरे को दूध भी पिला दूंगी, मक्खन भी पिला दूंगी। ए बच्चों बात मत करो, ए जाओ नीचे जाओ नीचे जाओ सब नीचे जाओ सब। इसलिए हाथों में इतने में मैया बोली तेरे को मक्खन खिला दूंगी और तेरे को मैं दूध भी पिलाऊंगी। अगर दिन हो जाएगा ना, सूर्य निकल जाएगा, फिर क्या होगा, मक्खन नहीं निकलेगी। इसलिए थोड़ी सी तो रुक जा। बोले मेरे रुक जा, अभी मेरे को भूख लग रही है। बोले तू तो दधि मंथन करके मक्खन खिलाओगी। कृष्ण देखा मैया को काम बंद नहीं कर देना, मैया मेरे को दूध नहीं पिलाएगी। कृष्ण घूम करके सामने आ गए और रई को दोनों हाथ से पकड़ लिए। बोले मैया मेरे को पहले दूध पिला फिर दधि मंथन कर। मैया बोली लाला तो बड़े दिमागदार है। फिर गोद में मैया को लेकर के हैं दूध पिला रही थी। देखो बच्चों को दूध पिलाते समय माँ को आनंद लगता है, लेकिन आज कौन दूध पी रहे हैं? ठाकुर जी। अगर भगवान को दूध पिलाओगे कितना आनंद नहीं होगा। मैया की रोम रोम खिल रही थी, आंखों से आंसुओं की झरी बह रही थी मैया की। उधर क्या हुआ, मटकी में दूध गर्म करने के लिए चूल्हे में रखी थी और वो जो चूल्हे का जो दूध ना वो उफन उफन करके गिरने जा रहा था। बोले क्यों? वो दूध सोच रहा है लगता है मैं कृष्ण सेवा में लग नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैया की स्तन में इतने दूध है, इतने दूध है जैसे खीर समुद्र है। और कृष्ण का पेट इतना बड़ा, इतना बड़ा कृष्ण का पेट, विश्व ब्रह्मांड जिनके पेट में, मतलब दूध कभी खत्म नहीं होगी। ये बच्चों को ना तुम देखना, कोई बात करे उनको पकड़ करके बाहर निकाल देना, उनको उठा दो वहां से, उठ उठ जाओ, खड़े हो जाओ, पीछे चले जाओ, जाओ पीछे जाओ, जाओ पीछे जाओ, खड़े हो जाओ पीछे जाओ। इधर क्या हुआ, मैया जसोदा अभी वो दूध उफन रहा है, अभी वो दूध सोच रहा था लगता है मेरे जीवन तो धिकार है, कृष्ण सेवा में लग नहीं पाऊंगा। अगर कृष्ण सेवा में अगर मैं लग नहीं पाऊंगा तो फिर ये जीवन रख कर भी क्या लाभ है। इसलिए इससे तो अच्छा है ये प्राण को आग में ही विसर्जन दो। यहाँ शिक्षा देते हैं, अगर ये जीवन पा करके अगर हम प्रभु की सेवा में नहीं लग पाए तो ये जिंदा रहना मरना बराबर है। लेकिन मैया जसोदा बड़ी दयालु, बोले भैया अभी तेरे को आग में छलांग लगाने का जरूरत नहीं, तेरे को मैं कृष्ण सेवा में लगा दूंगी, थोड़ी सी रुक जा। बोले कन्हैया थोड़ी सी गोद से उतर जा लाला। बोले क्यों? बोले वो दूध उफन रहा है। बोले अभी मेरा आधा पेट भी भरा नहीं, और क्या कहती है तू गोद से उतर जा, नहीं मेरे को भर पेट दूध पिला करके फिर जाया करो। मैया ने देखा इधर पूत भी उफन रहा है और इधर दूध भी उफन रहा है, अभी मेरे को किसको रक्षा करनी चाहिए? बोले पहले ये दूध को रक्षा करो। बोले क्यों? कारण है कि आप हरि बोल। इसको अंदर में कोई चीज घूम रहा है, इसमें हरि बोल हरे कृष्ण।
तो अंदर में कोई चीज घूम रहा है, मुझे लगता है अंदर में कोई चीज घूम रहा है जो इधर इधर को घूम रहा है। हरि बोल, हरे कृष्ण। ठीक है, सुना ओ दोनों भैया इधर इधर, उसको बुलाओ इधर आओ। हाँ देखो माइक वाले भैया, कल जगन्नाथ जी रथ यात्रा है, ठीक है ना। कल जो पहला दिन जब प्रोसेशन निकला था ना, पहला दिन जो प्रोसेशन निकला था उसमें जितने बक्स लगाया था, कल जब जगन्नाथ जी रथ यात्रा निकलेगा उससे डबल बक्स होने चाहिए, ठीक है ना। इतने बढ़िया लगाना जैसे अगली बार तुम ही जैसा हो, नहीं तो पिछली बार यहाँ पर रथ यात्रा में इतने बढ़िया माइक लगाया, फिर माइक को हमने गाड़ी में बुलाया था, ठीक है ना। इसमें कर्डलेस, दो कर्डलेस होनी चाहिए, और जो हाथी था और थोड़ा बड़ा होनी चाहिए। पीछे माइक तो बक्स लगाया होता जितना था उसे डबल होनी चाहिए, और इको फिको चका चका चक पूरा गांव में टहलका मच जाए तुमने क्या माइक लगाया। हमने पिछली बार भी लगाया था, बहुत बढ़िया। हाँ पिछली बार बहुत बढ़िया लगाया था, ठीक है ना। इस बार कल बहुत बढ़िया, 3 बजे सवेरे इसी शाम को 3 बजे रेडी कर देना। 3 बजे बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। इतने में मैया जसोदा ने सोच रही हैं, इधर पूत भी उफन रहा है और उधर दूध भी उफन रहा है, अभी मेरे को क्या करनी चाहिए। बोले दूध रखा करो। बोले क्यों। बोले मेरे स्तन में जो दूध है ही, जब चाहो बच्चे को तो पिला दो, लेकिन अगर ये दूध उफन कर कर गिर गया ना उसमें क्या होगा। बोले बच्चे का अमंगल होता है, इसलिए घर में दूध उफन करके आग में नहीं गिरनी चाहिए, बच्चे का अमंगल। और दूसरा कारण, अगर उफन करके गिर गया मलाई नहीं होगा, अगर मलाई नहीं बनेगा ना फिर क्या होगा, मक्खन ही नहीं निकलेगा, फिर लाला को मैं खिलाऊं क्या। इसलिए बोले पहले दूध उफन रहे उसको मैं रखा करो। कन्हैया को उतरना नहीं चाह रहा था, बोले नहीं मेरे को भरपेट दूध पिला करके जाया करो। मैया कृष्ण को पकड़ कर जोर जबरदस्ती बैठा दी, बोले बैठ यहाँ पर, और कृष्ण चुपचाप वहां पर बैठ गए। और मैया जब दूध रखा करने के लिए गई, देखना बच्चों को दिमाग जब गर्म हो ना, हैं बच्चे का दिमाग जब गर्म हो क्या करता है, सारे चीज को उल्ट पुलट कर देता है, फेंक फांक कर देता है। बोले कितने दूध को तू रखा करोगी अभी मैं दिखाता हूँ। सोचाई जो बड़ा मटकी था, मैया मंथन करते करते क्या हो गया था, उसमें बन गया था मट्ठा। मटकी को पकड़ करके कृष्ण उन्होंने हिलाया, बोले इसका पलट दो। लेकिन कृष्ण का उम्र कितना कम, 3 साल के, और मटकी कितना, इतना बड़ा मटकी है, इतने बड़े मटकी कृष्ण तो टस से मस्तक भी नहीं कर पाए। देखा वहां पर पड़ा हुआ था जिसमें मसला पीसते है ना, पहले मशीनी नहीं होता था, मसला पीसते थे हाथ में, इसलिए माताओं में एकदम ताकत रहती थी। अभी हर चीज मशीन, कपड़ा धो तो मशीन, मसला पीस तो मिशन, इसलिए तरह तरह का बीमारी अभी हो रहा है। और पहले क्या करते थे, हाँ गेहूं होता था उखल में, ऐसे पीट पीट करके गेहूं को आटा बनाना पड़ता था, इसलिए शरीर में रोग नहीं होता था, कोई मोटी मोटा नहीं होते थे, सब पतली रहते थे, इसलिए शरीर में कोई बीमारी नहीं होता था, समझ रहे हो। इतने में जो जिसमें मसला पीसते हो है, उन्होंने देखा वहां पर वहीं पड़ा हुआ, और उन्होंने उठाया और मटकी में मार, मारते ही मटकी फूट गई। मटकी फूट गई तो मटकी अभी मट्ठा बन गया था, धीरे 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 निकलने लग गया। कृष्ण तो बड़े खुश हो गए, मतलब मटकी मैंने फोड़ दी। लेकिन मटकी फोड़ कर क्या की, वो घर से दूसरे घर में गए, एक उखल के ऊपर खड़े हो गए। पता है उखल क्या होता है, कौन बोलेगा, हाथ उठाओ। हाँ मैया जानती है, इसलिए उखल क्या, पहले ये मशीन नहीं हुआ करता था, एक लकड़ी होता था बड़ी, उसका अंदर में एक गड्ढा रहता था और इतना इतना मुसल रहता था, उसमें ऐसे ऐसे मार मार करके हर चीज को हैं, हर चीज को उसमें आटा बनता था, हर चीज उसमें बनती थी। वो उखल को उन्होंने हैं कहते मैया, उस उखल को ऊपर खड़े हो गए, और जो ऊपर में था मटकी उसको उतारे मटकी, और जितने बंदर कौओं को बुला ले, बोले इधर आ जाए,
लो मक्खन और मक्खन खाओ। बोले क्यों? बोले ये बंदर कौन है? बोले हनुमान की वंशधर है। बोले राम लीला में तुम लोगों ने मेरी कितनी सेवा की, तुम लोगों को मैंने कुछ भी नहीं खिलाया, अपने आप जंगल से तुम लोगों ने संग्रह करके फल खाए और मेरे लिए युद्ध किया, अभी कृष्ण लीला में मक्खन आओ मक्खन खाओ लो। बोले कौआ कौन है? बोले काग भूसुंडी की वंशधर। ये काग भूसुंडी कौन है? कभी नीलगिरी पर्वत ऊपर बैठ करके नित्य निरंतर राम कथा को सुनाता है। कहते भैया जो मेरी कथा को सुनाते हैं उसको तो खिलानी चाहिए ना, लो सबके सब तुम मक्खन खाओ। मैया थोड़ी देर में बाद में आती है, कहते देखा उसने वो मटकी फूटी हुई और सारे घर घर में मट्ठा दही फैला हुआ। मैया ने देखा बड़ा दुष्ट हो गया, ये मेरी सास का समय की मटकी थी और कितने घी पी पी करके मजबूत हो गया था और ये मटकी को तुमने फोड़ दी। बोले इसको तो मेरे को सजा दंड देनी चाहिए। देखो चोर जब चोरी करता है ना कुछ ऐसे निशान छोड़ करके जाता है जो सीआईडी उसे पकड़ लेता है। कृष्ण तो सबसे बड़े चोर है, वो छोटे मोटे चोर है ही नहीं। लेकिन जब कृष्ण गए, कृष्ण का चरण में जो दही लगा हुआ था वो सुंदर चरण का छाप पड़ा हुआ था। इतने में मैया ने एक लठिया उठा ली और लठिया लेकर के धीरे 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 देख रहा है कन्हैया कहाँ पर। देखा कृष्ण क्या कर रहे हैं, अगर खुद अगर मक्खन खाता तो कोई बात नहीं, लेकिन ये बंदर और कौओं को ये मक्खन खिला रहा था। मैया को तो और क्रोध आ गया, बोले इसको कुछ सजा देनी चाहिए। इतने में मैया जैसे बिल्ली जैसे धीरे 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 चलते चलते कृष्ण को पकड़ नहीं जा रहा था। लेकिन कृष्ण क्या किया था, बोले मैया अगर इधर से आएगी ना मैं इधर भाग जाऊंगा, इसलिए मेन रोड का दरवाजा खोल रखा था। देखो पहले ये नियम होती रहती थी जो माताएं ना कभी भी घर से निकलती नहीं, अभी जैसे गुजरेगी तुम लोग कुछ रखिया कर रहे हो। पहले माताएं घर के सारे काम करती थी, पुरुष लोग क्या करते थे बाहर काम करते थे। ऐसे ऐसे स्त्रियां होती थी जिनके मुख ये चंद्र सूर्य भी जिनका मुख नहीं देख पाता था, घर में रहती थी, घर का सारे काम काज को यही संभालती थी। जानती है मैया तो घर की बहू, ये तो बाहर निकलेगी नहीं, मैं तो बच्चा भाग जाऊंगा। लेकिन उसी दिन था दीपावली, उसी दिन सबके सब दीपावली मनाने के लिए पुरुष घर से चले गए थे गोवर्धन, कोई वहां थे नहीं। मैया बोल रही है तू कहां जाओगी, जाओगे तू, मेरे कोख से जन्म लिया ना, तू ये सोच रहे घर से बाहर नहीं निकलूंगी, आज कोई भी पुरुष गांव में नहीं, तेरे को पकड़ करके रहूंगी। मैया तो उसको पीछे भागी पकड़ने के लिए, लेकिन कृष्ण तो छोटे बच्चे, कृष्ण भागते जा रहे हैं, लेकिन मैया थोड़ी थी मोटी। जब मैया थोड़ी सी भागने लगी इतने में मैया हाँफने लग गई, इतने में कृष्ण ने कहा कन्हैया खड़े रहते कि नहीं, देख मेरे हाथ में लठिया भी मारू फेंक करके। कृष्ण ने कहा मैया मैं तो खड़े है जाऊंगो, लेकिन तेरे हाथ में लठिया देख करके मेरे को डर लग रहा है, पहले ये लठिया को तो फेंक दे। बोले तेरे को थोड़ी मारूंगी, तेरे को पूजूंगी। अभी कभी कभी बच्चों को पूजा करते कि नहीं आता है, करती हो पूजा कभी कभी बच्चों को? नहीं पूजा नहीं करती हो, कौन कौन करती हो बच्चों को पूजा? इसलिए बोले कि तेरे को थोड़ी मैं मारूंगी, तेरे को मैं पूजा करूंगी। अभी मैया ने लठिया को पीछे कर दी, पीछे करके जा करके उन्होंने कृष्ण को पकड़ लिया। पकड़ करके बोले बताओ ये मटकी फोड़ी किसने? बोले मैया साची साची बताओ ना, झूठ बताओ। बोले साची साची बता दे मटकी फोड़ी किसने? बोले मैया तुमने प्यार में इतने मोटे मोटे जो कौड़ुले पहन करके रखना, जब तुम भाग रही थी वो कौड़ुले से ये मटकी फूट गई। अब देखना पहले पहले माताएं चांदी की सोने की कौड़ुले पहने करते थे, अभी कोई पहनती हो? कोई नहीं पहनती ना, हाँ पहले पहले पहनती थी ना, अब पहले पहले पहनती थी सबके साथ, लेकिन अभी कोई पहनते नहीं सबके साथ, हाथों में बाजू में इतने मोटे मोटे पहन रही थी। बोले कौड़ुले से तेरे मटकी फूट गए, मैंने थोड़ी फोड़ी। मैया देखा देखो कितना दुष्ट है, खुद मटकी फोड़ेगा तो मैंने फोड़ दी। बोले बताओ ये कौए बंदर को कौन खिलाया? बोले जिसने बनाया उसने खिलाया, जिसने बनाया उसने खिलाया। बोले बड़े बड़े बात करते हो, बोले तू तो बहुत बड़ा चोर हो गए।
लेकिन कृष्ण बचपन में सुना था, कृष्ण के एक मामा है जिसका नाम था चोर गोप। क्या नाम था? चोर गोप। कृष्ण बोले मैं चोर हूं, मैं नंद बाबा का बेटा हूं, तेरे वंश में कोई चोर होगा? मेरे वंश में कोई चोर नहीं। बोले पता नहीं कहां से सुन लिया। इतने में बोले तू बंदर का दोस्त हो? बोले मैं बंदर का दोस्त हूं। बोले हाँ और क्या? बोले मेरे को छोड़ दे, बंदर में बंदरों के साथ में जंगल में रहूंगा, तेरे घर में नहीं रहूंगा। अब देखना बच्चे का दिमाग जब गर्म हो ना, वो जो इच्छा सो कर देते। मैया ने देखा भैया कितने कष्ट से, कितने तपस्या यज्ञ करके घर में के लाला का जन्म भयो। अगर सचमुच से जंगल में चला गया तो फिर क्या होगा? अब देखना बच्चों का मन थोड़ी समय के लिए तो क्रोध, थोड़ी बात में फिर शांत हो जाते हैं। बोले इसको थोड़ी समय के लिए मैं बांध करके रख लूं, फिर लाला का क्रोध जब ठंडा हो जाएगा खोल दूंगा। बोले तू खल और ये उदू खल, दोनों मिल करके मक्खन चोरी की, तुम दोनों को मैं बांधूंगी। मैया ने एक रेशम की रस्सी लेकर के जब बांधने के लिए गई, उसमें दो अंगुल कम पड़ गया। कितना अंगुल कम पड़ गया? दो अंगुल कम पड़ गया। गोपियों को बोले और एक रस्सी ले आओ, और एक रस्सी ले आए। फिर जब गांठ लो आकर बांधने के लिए गई, फिर दो अंगुल। बोले और रस्सी ले आओ। बोले मैया विधाता ने तेरे लाला की ललाट में बंधन नहीं लिखा, तू कैसे लाला को बांधो? बोले क्या यार, मेरे कोख से जन्म लिया, मैं नहीं बांध सकती हूँ, बांध करके रहूंगी। ले आओ रस्सी। ब्रज का सारी रस्सी खत्म हो गया, लेकिन दो अंगुल किसी तरह से पूरी नहीं पड़ी। मैया की शरीर से पसीना पसीना तरबर हो गई। मैया इतने जब बांध नहीं सकी, भगवान घर में उनकी सालग्राम की पूजा होती थी। बोले हे सालग्राम नारायण देवता, देखो ये गोपियां मेरे को खिली उड़ा रही है, सवेरे से शाम हो गया और इसको मैं बांध नहीं पा रही हूँ, तो मेरे ऊपर में कृपा करो। जब उन्होंने प्रार्थना की, फिर माता की परिश्रम को देख करके भगवान बंधन को स्वीकार किया। भगवान को बांधे नहीं, भगवान खुद बंधन को स्वीकार किया। देखो ध्यान देकर सुनो, इसमें जब जब मैया बांधने के लिए कोशिश करती थी, उसमें दो अंगुल कम पड़ता था, तीन नहीं चार नहीं, कितना पड़ती थी? दो अंगुल। बोले क्यों इसमें दो अंगुल क्यों कम पड़ता था, तीन चार पांच क्यों नहीं? देखो इसमें सिख्या देते हैं, ध्यान देकर सुनो, इसमें सिख्या देते हैं। जो पहला अंगुल है, जब हम भगवान को पाने के लिए कोशिश करेंगे, अगर शेर अगर सोता रहेगा, बोले नहीं हिरण आकर मेरे मुंह में अपने आप आ जाएगा, नहीं अपने आप नहीं आएगा। अगर तुम घर में सोते रहोगे, बोले नहीं रोटी सब्जी अपने आप बनकर के मुंह में आ जाएगी। सवेरे से लेकर के शाम तक आप लोग घर में काम करती हो, सवेरे उठ करके घर साफ करती हो, बर्तन साफ करती हो, चूल्हा साफ करती हो, रसोई बनाती हो, बच्चों को खिलाती तब खाती, और पति को पूछ लो कितने कष्ट करके पैसा कमाता है, ये पतियों को पता होगा। आपको पूछ लो घर कितने कष्ट से संभालती हो, हैं? इसलिए जब इसी के लिए इतने परिश्रम करते हो, अगर हम सोचे भगवान तो अपने आप मिल जाएंगे, कोई कुछ करने का जरूरत नहीं, माला जपने का जरूरत नहीं, ठाकुर को खिलाने का जरूरत नहीं, सोते रहो भगवान मिल जाएंगे, नहीं। पहला जो अंगुल है हमें चेष्टा करना पड़ेगा, ठाकुर कैसे मिले, ठाकुर कैसे मिले, ठाकुर कैसे मिले, हमें चेष्टा करने का जरूरत है, ठीक है ना। इसलिए कलयुग में चेष्टा कैसे करेंगे, ठाकुर जी कलयुग में सबसे सरल उपाय बताया। बोले क्या करो? बोले ज्यादा परिश्रम की कलयुग में जरूरत नहीं, हाथों में जो करो ठाकुर को सेवा मान करके, और मुंह में क्या करो, ठाकुर का नाम जप करो, मुंह में ठाकुर जी की नाम जप करो। बोले एक बार हाथ उठा करके, बोले हरे कृष्ण, चलो मैं बोलता हूँ तुम लोग कोई नहीं बोलते, बोले जोर से, बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। अरे घर जोर कर बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए कलयुग में ठाकुर का नाम जप करना पड़ेगा, ठीक है ना, ठाकुर का हरि नाम करना पड़ेगा ठाकुर जी को। इसलिए अब जो दूसरा अंगुल है, जब भगवान देखेंगे,
भैया ये दिन रात मेरे भजन में लगा हुआ, मेरे कीर्तन कर रहा है, भजन कर रहा है। पर ठाकुर जी क्या करेंगे, अपने आप कृपा कर ले। अगर पति देखता है मेरी पत्नी दिन भर कितने परिश्रम करती है, सवेरे से लेकर के शाम तक ना दम परिश्रम करती, तब तो पति खुश हो जाएगा। अगर तुम निठल जाएगी सवेरे से शाम तक बैठ रहोगे, खाना नहीं बनाओगे, घर साफ नहीं करोगे, पति तुम्हारे पर खुश हो जाएगा? जा घर तक तो अपना पीहर चली जा, जरूरत नहीं, तुम्हें शादी करके क्यों आई हो है? लेकिन जब तुम इतने दिन रात परिश्रम करती हो तभी तो पति देख कर खुश हो जाता है। और दिन भर पति बाहर काम करता है और सारे पैसा लाकर तुम्हें दे देते हैं, बोले ले सारे पैसा ले। क्यों देता है? क्योंकि घर का काम तुम संभालते हो। जब इसी दुनिया की पति ऐसे खुश होता है तो ठाकुर के लिए कुछ तो करनी चाहिए। जो असली पति उसके लिए तो कुछ करो, क्या करो, उनकी भक्ति करो, उनकी भजन करो। इसलिए भगवान कृपा करके उन्होंने बंधन को ठाकुर जी स्वीकार किया। बोले सवेरे से लेकर शाम तक तेरे पीछे पीछे सारे घर का काम पड़ा हुआ और तेरे पीछे सवेरे से शाम तक तो ही पड़े रहो, अभी घर का काम काज मैं करती हूँ। जब चली गई ना, इतने में कृष्ण का सखा लोग आ गए। कृष्ण ने कहा सखाओ भैया मेरे को बांध दी ना, इसको खोल दो। लेकिन सखा लोग खोल नहीं सके। बोले क्यों? बोलो प्रेम की गांठ थी, साधारण गांठ नहीं। इसलिए सामने देखा दो वृक्ष है, ये चमलार्जुन जमज दो अर्जुन वृक्ष था। ये पूर्व जन्म में ये कुबेर का दो बेटे थे, नल कुबेर और मुनिगिरि। एक समय शंकर की एक बगीचा थी, वो बगीचा में ये दोनों शराब पी करके नंगे होकर के और स्वर्ग के अवसरियों को लेकर के जल विहार कर रहे थे। और नारद किसी कारण से उधर होते हुए जा रहे थे और उन्हें नारद को देख करके ना ऐसे आंख फार फार कर देख रहे। बोले बाबा का कोई है, कोई बाबा का कोई बुद्धि नहीं, हमारे रंग में भंग करने के लिए तू आ गया। उनकी जो पत्नियां थी ना अप्सरियां, वो तो कपड़े को शरीर से ढक करके पेड़ को नीचे छुप गई। लेकिन ये जो दोनों थे ना, पैसा का अहंकार, जवानी की अहंकार, ऐसे ऐसे आग फार फार कर देख रहे थे। बोले बाबा भाई काम धाम नहीं, इधर तू आ गया। नारद जी ने देखा कहाँ स्वर्ग के कुबेर का बेटे हो और तू नंगे होकर शराब पी करके जल विहार कर रहे हो और कोई संत आ गया तो आग फार फार देख रहे हो। इतने में नारद जी अभिशाप दे दिए, बोले जाओ, जैसे नंगे है ना ये वृक्ष जैसे नंगे खड़े रहते जब पेड़ बन जाओ। बोलते ही पेड़ प्यार से पेड़ होना शुरू हो गया और पेड़ का जीवन बड़ा दुखमय जीवन है। देखना किसको भूख होने पर भूख पानी मांगता है, जो कोई आए पेड़ काट ले हैं, उसको नीचे बैठ जाए, सर्दी आए कपड़ा नहीं है, बारिश आए ओढ़ने के लिए कुछ नहीं आए, बड़ा कठिन जीवन है ये वृक्ष जीवन है। अभी सारी नशा उतर करके आ गया। फिर नारद जी के चरण में गिर पड़े, हुए बाबा हमसे अपराध हो गया, माफ कर दो। संत लोग बड़े दयालु होते हैं, संत बड़े दयालु होते हैं। बोले ठीक है जाओ, वृक्ष तो बनोगे लेकिन ये वृक्ष बनोगे गोकुल में। कहाँ बनोगे? गोकुल में वृक्ष बनोगे। जब भगवान कृष्ण आएंगे इनकी चरण स्पर्श से मुक्ति मिलेगी। अभी कृष्ण नारद का वाक्य रक्षा करने के लिए उन्होंने क्या किया, सखाओं को बोले काम करो, ये उखल को पीछे से धक्का मारो। और कृष्ण घुटन पर चलते चलते दोनों वृक्षों के बीच में जब गए, वो उखल अटक गई तो कृष्ण थोड़ी सी ताकत लगाई और दोनों वृक्ष दोनों तरह से धड़ाम करके गिरे। इतने जोर से गिरे, इतने सारे ब्रज के लोग इकट्ठे हो गए और वो वृक्ष से नाल कुबेर और मुनिगिरि ये दोनों निकले और ठाकुर को प्रणाम किए। बोले हे प्रभु हमारे ऊपर भी कृपा करो। देखो क्या बोल रहे हैं, बोले हमें ये कृपा करो, जैसे हमारी ये दोनों हाथ तुम्हारी चरण की सेवा में लगे, जैसे इन्हीं आंखों से आपके रूप का दर्शन करो, जैसे ये दोनों प्यार से गिरिराज की परिक्रमा लगाओ, तुलसी परिक्रमा मंदिर परिक्रमा लगाओ, जैसे ये सर अगर तेरे कोई भक्तों को देखे ना, जो ये सर अपने आप उनकी चरण में झुक जाए। क्यों? बोले हमको ये वृक्ष जन्म क्यों होना पड़ा, नारद जी को देख करके हमने सर नहीं झुकाया, इसलिए ये हमें पेड़ बनना पड़ा। इसलिए नियम है भक्तों को देख करके, संतों को देख करके क्या करो, अपना सर को चरण में झुका दो।
शास्त्र में कहता है संतों को देख करके जो चरण नहीं झुकाएगा ना वो नरक जाना पड़ेगा उसको, उसको नरक जाना पड़ेगा। इसलिए जैसे कोई बड़ा पुलिस ऑफिसर है, अगर कोई साधारण पुलिस को सैल्यूट नहीं किया ना उसकी नौकरी चली जाएगी। उसी तरह जब हम संतों को दर्शन करें अपने आप ये सर संतों के चरण में झुक जाएगा। अगर हम संतों के चरण में सर झुका देते हमें ये पेड़ जन्म नहीं पड़ना पड़ता। इसलिए अब हमारे ऊपर में कृपा करो। ठाकुर जी को परिक्रमा करते हुए वो चले गए, इतने में नंद बाबा मैया जसोदा ब्रजवासी सब इकट्ठे हो गए और नंद बाबा देखा कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में फंसे पड़े हुए। अगर दोनों वृक्ष थोड़ी सी इधर उधर हो जाता ना कृष्ण तो दबे जाते, मर जाते। इतने में नंद बाबा जल्दी जल्दी आए और रस्सी को उन्होंने खोल दिए। देखना बच्चों का एक स्वभाव है, क्या स्वभाव है, अगर मैया अगर मारे ना दुखी हो जाता है, अगर थोड़ी सी पिताजी थोड़ी सी प्यार दे दे थोड़ी सी गोद में ले जाए देखना बच्चा क्या फिर रोना शुरू कर देती है। अभी तक तो कृष्ण चुप थे लेकिन नंद बाबा जब आए आकर के रस्सी खोल दिए, बोले बांधा किसने, बोले माँ, बोले खोला किसने, बोले बाबा, बोले खूब मामा मामा करते हो बताओ अभी किसको पास में रहोगे, बोले बाबा को पास में रहोगे, बाबा माँ मेरे को मारती रहती है, हैं। इतने में नंद बाबा पकेट से के लड्डू निकाल करके दे दिए और कृष्ण रोना शुरू कर दी। और इतने में मैया जसोदा आ गई तो नंद बाबा ने बड़ी डांट लगाई, अरे हो सकता है एक दो मटकी तो फोड़ा होगा और तो कुछ नहीं, कितने तपस्या करके बूढ़े उम्र में एक लाला मिलो और कोई थोड़ा मटकी फोड़ दिया होगा तुमने उसको उखल में बांध दी, नारायण का आशीर्वाद से लाला कैसे बच गया। अगर वृक्ष थोड़ी सी इधर उधर हो जाता ना लाला तो खत्म ही हो जाता। नंद बाबा बोले लगता है तेरे को ये दूध और मटकी में ज्यादा आ सकती है, तू ये दूध मटकी लेकर रहा कर, मैं तो कृष्ण को लेकर मैं तीर्थ जा रहा। नंद बाबा मैया को बड़ी डांट लगाई, मैया दुखी हो गई, बल मैं बांधी तो मैंने कन्या को बांधी कैसे, मेरे इन्हीं हाथों में कुष्ठ व्याधि क्यों नहीं हो जाता है। अपने आप को मैया ने गाली देने लग गई और मैया दुखी होकर घर में जाकर बैठ बैठ कर रो रही और नंद बाबा धारसन दूध में, आपको पता है धारसन दूध क्या होता है, इधर देखो धारसन दूध क्या होता है देखना। एक सिवा ये बच्चों को बाहर निकाल दो, ये सब बच्चों को यहाँ से निकाल दो। इसलिए कहते धारसन दूध मतलब जैसे गैया को आप दोहन करोगे देखना वो दूध गर्म गर्म होता है एकदम जब दोहन करोगे और उसमें मिश्री मिला करके नंद बाबा पिला दिया। पहले पहले क्या करते थे आप लोग पिए कि नहीं दूध को, जैसे गैया को दोहन करना दूध गर्म रहता है उसमें बड़ा पुष्टिकारक रहता है, वो दूध को पियो ना बड़ा शरीर में ताकत देता है, लेकिन जो उसका जो गर्म करते हो ना उसका सही जो शक्ति खत्म हो जाती है, लेकिन कच्चा दूध पियो गर्म गर्म है वो बड़ा ताकत देता है। नंद बाबा ने उसमें मिश्री मिला करके उन्होंने कन्या को बलराम प्रभु को पिला दिए। शाम हो गया, अभी घर में लड़ाई हो गई, नंद बाबा जसोदा में लड़ाई हो गई और नंद बाबा कृष्ण बलराम को लाए एक घर की कोने में बैठे हुए और दूसरे कोने में कौन बैठे हुए, मैया जसोदा, और मैया बैठी बैठी करके रो रही है, बोले आज मैंने कैसे लाला को बांध दियो, अगर थोड़ी सी पेड़ उधर उधर होता ना लाला का तो राम नाम सत्य हो जाता, बड़ी दुखी है। अभी दोनों में लड़ाई हो गई, अभी लड़ाई को शाम तो कौन करेगा, कहते कोई बीच में अगर कोई व्यक्ति हो तभी इसको शांत कर सकता है। बोले बीच में कौन है, बोले माता रोहिणी, कौन है माता रोहिणी, रोहिणी कौन है, कहते बलदेव प्रभु का माँ का नाम रोहिणी। रोहिणी ने देखा अगर कृष्ण को नंद बाबा की गोद से लेकर के अगर मैया जसोदा की गोद में सुला दिया जाए ना घर का लड़ाई खत्म हो जाएगी। इतने में उन्होंने बलदेव प्रभु को बोले, बोले बलदेव ये काम करो कन्या को नंद बाबा का गोद से उठा करके मैया की गोद में छोड़ दो फिर झगड़ा शांत हो जाएगी। इतने में गए कृष्ण बलदेव प्रभु जा गए कृष्ण के पास में, बोले कृष्ण चलो मैया के पास में चलो, लेकिन कृष्ण तो बड़ी क्रोध में थे, कृष्ण बड़े क्रोध में थे कृष्ण। इतने में उन्होंने तो झटका मारे तो जो ताऊ भैया है ना वहीं पर गिर पड़े,
इतने में मैया बोली, ध्यान देकर सुने इधर, मैया बोली लाला कन्हैया तो माँ की गोद में नहीं जाओगे? बोले नहीं। बोले क्यों? बोले मैया मेरे को मारती है। बोले बाबा मेरे को बड़े प्यार करते हैं, बाबा मेरे को हर समय प्यार देते हैं, मैया मारती हैं और मैं मैया को पास में नहीं जाऊंगा। बोले ये बताओ, मैया के पास में नहीं जाओगे दूध कहाँ से मिलेगा? बाबा के पास में तो दूध नहीं, दूध तो मैया के पास में मिलेगी, दूध कहाँ से पियोगे? बोले पिताजी धारस न दूध में मिश्री मिला करके पिलाते। बोले सोगे कहाँ पर? अब देखना कृष्ण की ऐसा आदत था, जब तक मैया की गोद में सोएगा उसको नींद नहीं आई, मैया की गोद में ही नींद आता था उसको। बोले किसकी गोद में सोगे? बोले बाबा की गोद में सो जाऊंगो। बोले खेलोगे किसको साथ में? बोले ताऊ भैया को साथ में। बोले मैया को पास में नहीं जाओगे? बोले नहीं, मैया मेरे को मारती है। बोले अगर मैया को पास में नहीं जाओगे, अगर मैया ऐसे हो गई, ऐसे मतलब अगर मैया मर गई तो फिर क्या होगी? जब बोले मैया मर जाएगी अगर नहीं जाऊं तो, फिर तो कन्या को रहा नहीं गयो, फिर तो मैया 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 कहते कहते श्री पिताजी की गोद से मैया की गोद में ले गए। और ये लीला को देख करके जितने वहां ब्रजवासी थे सबके सब रो पड़े, सबके सब रो उठे। इसलिए श्री सत्यव्रत ऋषि कहते हैं, एतादृक सलीला भिरानंद कुंडे शोभ सम निमजंत माखा भयंतम। ऐसे ही भगवान पूरा ब्रज को मीठी मीठी लीला करके सारे ब्रज को उन्होंने एक तो मोहित करके रखते। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय कर दो। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले श्री नंद बाबा की जय। बोले मैया यशोदा की जय। जय जय श्री श्री राम। एक भजन सुन बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। उन्हें न लड़ गए, उन्हें न लड़ गए बाप बिहारी से, अब घर गए से अब घर कैसे जाओ सखी, अब घर कैसे जाओ, अब घर कैसे जाओ सखी, अब घर कैसे जाओ। नैना नैना लड़ गए बात बिहारी से, अब घर कैसे नहीं रहती है, लेकिन यहाँ आली गांव में
बहुत कम लोगों का हुआ है प्रेम बाकी बिहारी से। उन्हें ना लड़ गए इसलिए सभी लोग ताली बजा कर बात तो हुई है आजकल आपकी है तो इसलिए सभी लोग नाचते भय गाते भय आनंद लेंगे इस भजन का बाके बिहारी जी का। उन्हें ना लड़ गए बाके बिहारी अब घर गए Take it.
कीर्तन में ताली नहीं बजाए, ताली नहीं बजाए तो अगले जन्म में क्या बने वो है? जगन्नाथ भगवान, देखा जगन्नाथ भगवान के जैसे हाथ होंगे। तो इसलिए सभी लोग आज बार हाथ उठाए प्रेम से, और हाथ उठा कर क्या बोलना है? बहुत कष्ट दिया, आज तो लास्ट दिन है, खाली काल रथ यात्रा में नाचना है, तो ताली सभी लोग बजाएंगे। हाथ उठाइए सभी लोग, ताली बजा कर राधे नाम की ध्वनि लगाना है सबको। प्रेम से, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, ताली बजाते प्रेम से बोलो। मेरी आवाज नहीं आई, मैं सुन लिया। राधे राधे माइक वाले, राधे राधे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, 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 H
कौन कैमरे वाले, कैमरे वाले होते हैं ना, फोटो खींचते हैं हर जगह हम लोग देखते हैं कथा में, और कैमरे वाला क्या कहता है कि मेरी ओर देखो तो फटो नहीं अच्छी आएगी, मेरी ओर देखो फटो अच्छी नहीं आएगी। अब हुआ क्या, एक जगह विवाह का कार्यक्रम चल रहा था जय माला, तो वहां जो है पर जो है कन्या को माला डाल रहे थे, तो कैमरे वाला बोला कि देखो मेरी ओर देखो नहीं तो तस्वीर अच्छी नहीं आएगी। अब दुल्हन जो है, दुल्हा जो है ये कैमरा की ओर देखते देखते माला जो है सास के गले में डाल दिया, सास के गले में डाल दिया। अब ससुर जी बोले चलो, सस्ते में लिपट गए। तो इसी प्रकार आप लोग कीर्तन में बैठे हैं लेकिन मन और कहीं है, पीछे देखो ताली कोई नहीं बजा रहे, खाली आगे आगे बजा रहे। सभी लोग उठाइए हाथ, प्रेम से बोलेंगे, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, हर ताली बजा के हे आओ हे आई, प्रेम से बोलो, वृक्षों को उधार किए, अभी सारे ब्रजवासी इकट्ठे बैठे, एक मीटिंग बुलाई, बोले देखो लगता है ये गोकुल हमारी रहने का लायक नहीं है, पहले तो पुतना आ गई, फिर सकटासुर, फिर त्रिणावर्त, ये सबके सब राक्षस कन्या तो पीछे पड़ गए थे, अभी ये पेड़ टूट करके अपने आप गिरने लग गए, लगता है ये जो गोकुल है ये हमारी रहने का लायक ही नहीं रह गया, चलो हम गोकुल से और कहीं चल जाते हैं। एक सबसे जो वृद्ध गोप था जिसका नाम था उपानंद, सबसे बड़े गोप, बोले देखो ये पास में एक स्थान जिसका नाम वृंदावन धाम है, जहां पर कलकल नाद से जमुना बह रही है, जहां पर सुंदर बच्चों को खेलने के लिए मैदान है, गैया को खाने के लिए घास है, बड़े सुंदर फल फूल से बड़ा सुंदर ये वृंदावन धाम है, चलो हम वृंदावन धाम चलते हैं जहां पर गिरिराज गोवर्धन है। बोले कल क्यों, बोले आज ही चलो श्री वृंदावन चलते, ढिंडरा पिटवा दो, और सारे ब्रजवासी तैयारी हो गई चलने के लिए, और गैया कितने नंद बाबा को तो नल लाग गैया, जब काली गैया चल रही है ना लग रही है कैसे माना यमुना बह रही है, जब सफेद गैया चल रही है लगता है जैसे गंगा बह रही है, और जितने बड़े बूढ़ों को बैलगाड़ी में बैठा दिया, एक बैलगाड़ी में श्री जसोदा और श्री रोहिणी कृष्ण बलराम बैठे हुए, जब चल रहे थे कृष्ण का उम्र कितना 3 साल 2 महीना की, अब देखना बच्चों का स्वभाव किया, जो देखना वही पूछे, जो देखे वही पूछे, बोले मैया मैया ये कौन सा पेड़ है जिसमें बड़े बड़े दाढ़ी है, बोले लाला इसका नाम बरगद पेड़ है, बोले मैया मैया ये कौन सा पेड़ है जिसमें सारे पत्ते हिल रहे हैं, बोले लाला ये पिपल का पेड़ है, बोले मैया मैया ये कौन सा चिड़िया है बड़े सुंदर देखो कुहू 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 बड़े सुंदर बोल रहे हैं, इसका नाम क्या, बोले लाला इसका नाम कोयल है, बोले मैया मैया देख 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 उधर देख कितने सुंदर चिड़िया शरीर में कितने चित्रकारी है, बोले मैया इसका नाम क्या, बोले मोर,
बोले भैया एक का तो पूछ, एक का पूछने ये क्या है? बोले जो पूछ है ना ये पुरुष है, और जो बिना पूछ के ये स्त्री। बोले भैया एक दूसरे से क्या लगे? बोले जो पूछ वाला है ना, जो बिना पूछ वाली, ये पूछ वाले की बहू लगती है। और थोड़ी दूर गए, बोले मैया मैया देख कितने सुंदर जानवर है, सारा शरीर में चित्रकारी। मैया इसका नाम क्या? बोले इसका नाम हिरण है। बोले मैया एक का तो सींग, एक का सींग नहीं, भैया ये क्या है? बोले जो सींग है ना ये पुरुष है, और सींग नहीं ये स्त्री। बोले मैया एक दूसरों को क्या लगे? बोले जो बिना सींग वाली, ये सींग वाली की बहू लगे। बोले मैया सबकी बहू, मेरी बहू कहाँ है? इसलिए मैया मेरे ताई भी एक बहू ला दे। बोले बेटा चिंता मत करो, वृंदावन चल, वृंदावन में ही तेरे लिए एक सुंदर से बहू ला दूंगी। बोले मैया मेरी जो बहू है ना गोरी होनी चाहिए, कारी नहीं गोरी होनी चाहिए। बोले उसकी नाक कैसे होनी चाहिए? बोले सुखपति जैसे, कृष्ण कह रहे हैं। अब बहू कितने बड़ी होनी चाहिए? बोले मैया मेरे से ज्यादा लंबी नहीं, मेरे कंधे तक होनी चाहिए। बोले मैया इसे बहू लाना, अगर मैं कभी बहू से झगड़ा करूँ ना तेरे से शिकायत नहीं करे, और मेरे को थाली भर भर कर खाना खिलाए, थाली भर भर कर खाना खिलाए। बोले भैया मेरी जब शादी होगी ना, ये ताऊ और हमारे श्री ये सखाओं को मत ले जाया करो, क्योंकि ये लोग मेरे बदनामी कर देते हैं। कोई भी सगाई हो सगाई करने नहीं देते, क्यों? सब जगह में बोल देते ये मक्खन चोरी करता था, ये चोरी करता था, चोरी करता था। मैया इनको खबरदार, इनको साथ में मत लिया करो, नहीं तो मेरी बदनामी करेंगे तो मेरी संबंध टूट जाएगी। ऐसे ही कृष्ण मैया से बोलती थी, मैया मेरे लिए एक बहू ला ले। ऐसे ही कृष्ण कहाँ पर पहुंचे? श्री वृंदावन धाम में पहुंचे। जब वृंदावन धाम में पहुंचे, कृष्ण जब थोड़ी सी बड़े हुए, बोले मई बोले पिताजी हम कृष्ण बलराम दोनों भैया बड़े हो गए, अभी हम चाहते हैं, आप तो वृद्ध हो गए हो, कब तक ये गैया की सेवा करोगे? अभी घर में बैठो और भजन पूजा करो, ठाकुर का भजन पूजा करो। हम कृष्ण बलराम दोनों भैया बड़े हो गए, अभी हम गैया चरवाने जाएंगे। देखो कृष्ण का उम्र कितना, 4 साल के, कितना साल के, कितना साल के, अब बताओ 4 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है? लेकिन कृष्ण बलराम कह रहे हैं हम बड़े हो गए गैया चराएंगे। बोले क्यों, ऐसे क्यों? देखो कृष्ण भगवान है, जब उनको 3 साल के थे ना वो लगता था कृष्ण 6 साल के, कृष्ण जब 6 साल के हुए वो लगते थे 9 साल के, जब कृष्ण 9 साल के हुए लगते थे 12 साल के। एक में तो भगवान और दूसरे में क्या, कृष्ण खाते थे क्या? बोलो क्या खाते थे? मक्खन मिश्री दूध दही है, दूध दही खाते थे। और खा खा करके ना, आप देखना जो बड़े घर के जो बच्चे हैं ना, जिस घर में बढ़िया ज्यादा खाना पीना मिलता है, देखना कम उम्र में ना बड़े बड़े लगते हैं, कम उम्र में बच्चे बड़े बड़े लगते हैं। बोले हम तो गैया चरवाएंगे हम। नंद बाबा मन में इतने खुश, इतने प्रसन्न हो गए। देखो अगर बेटा पिताजी को बोलते हैं, अगर पिताजी काम करता है, अगर बेटे पिताजी को बोले, बोले पिताजी आप तो वृद्ध हो गए हो और घर में बैठो और भजन पूजा करो, गीता रामायण पढ़ो, हम बच्चे बड़े हो गए, घर का काम काज को हम संभाल लेते हैं, आप घर में बैठ कर भजन पूजा पाठ करो, बताओ तो पिताजी का मन कितना खुश हो जाएगा? बोलो कितना खुश हो जाएगा? अगर घर में ऐसे के बहू आ जाए, जो बहू सास को बोले सास जी आपको कुछ करने का जरूरत नहीं, घर में बैठो खूब भगवान की भजन पूजा पाठ करो, और हमें तुमको रोज पराठा और घी में चिपड़ी हुई रोटी, बढ़िया बढ़िया सब्जी मठा खिलाओगे, तुम बैठो भजन करो। अगर बोले मैया तुम घर में बैठ के रखो, बोलो सास खुश हो जाएगी नहीं? सास खुश होगी कि नहीं? बड़ी तो कितने अच्छी बहू है, सवेरे उठ करके प्यार छूती है, प्यार दबाती है, खुश हो जाओगी कि नहीं? इसलिए नंद बाबा तो इतने खुश हो गए। नंद बाबा मेरे लाला कितने अच्छे हैं, अभी 4 साल के लाला वो कह रहे हैं पिताजी घर में बैठ करके भजन करो, अब हम दोनों गैया की सेवा करेंगे। बाबा की हृदय तो एकदम गदगद हो गया, बाबा खुश हो गए, लाला मेरे कितने अच्छे लाला है। लेकिन नंद बाबा बोले लाला अभी तुम 4 साल के हो, अभी तुमको हमारे घर में बहुत नौकर नौकरानी, क्योंकि नंद राजा है ना,
इसलिए तुम्हें गैया चराने का जरूरत नहीं, अभी रहो और थोड़ा बड़े आ जाओ। बोले नहीं पिताजी, हम तो जाएंगे ही, मचल गए। पिताजी ने कहा देखो अभी तुम्हें गैया चराने की जरूरत नहीं, अभी तुम बछड़े को लेकर के आस पास में ले जाओ और बछड़े को लेकर के खेल कूद करके आ जाओ, लेकिन कोई बढ़िया दीन होनी चाहिए। उन्होंने सांडिल्य ऋषि को बुलाए, कोई बढ़िया दीन देख लो। सांडिल्य ने कहा देखो नंद बाबा, सामने कार्तिक महीना में गोपाष्टमी है, बहुत बढ़िया दिन है, इसी दिन कोई भी काम करो वो काम शुभ होता है। उसी दिन आप कृष्ण बलराम को गैया चराने के लिए, बछड़े चराने के लिए भेजो। मैया ने कहा लाला अगर तू बछड़े चराने जाओगे फिर मैं कैसे रहूंगी, तेरे को देखे बगैर तो मैं रह नहीं सकती हैं, तू तो मेरे नयन की तारे हो तुम हैं, तू तो मेरे जीवन के प्यारे, तेरे को छोड़ू कैसे। कृष्ण ने कहा देखो माता जी, जब मैं जाता हूँ सखाओं के साथ में खेलने के लिए, बताओ तू कैसे मेरे धीरज धारण करते हो। बोले बच्चा जब तू जाता है ना, देखना बच्चे जब खेलते हैं ना जोर से किलकारी मारते हैं। बोले तू किलकारी मारते हो, तेरी आवाज मेरे कान में पड़ती रहती है और मेरे को तसल्ली रहती है, मेरे लाला पास में ही है। बोले मैया मैं जितने दूर क्यों नहीं जाऊं, उतना दूर से ही मैं जोर जोर से किलकारी मारूंगा और घर में बैठी बैठी करके तुम मेरी आवाज को सुनते रहोगे, मेरी आवाज को तुम सुनते रहोगे। इसलिए नंदगांव में एक स्थान है, उसका नाम टेर कदम। क्या नाम है, क्या नाम है उसका नाम? टेर कदम। टेर मतलब होता है बुलाना, कदम मतलब होता है कदम का पेड़ में कृष्ण चढ़ जाते थे और बंसुरी में सुंदर सुंदर आवाज निकालते थे, जिसको मैया सुन सुन करके तसल्ली रहती थी, मेरे लाला पास में खेल रहा है, मेरे लाला पास नहीं है। एक दिन कृष्ण गए बछड़े को लेकर के, इतने में बकासुर आ गया। बकासुर मतलब क्या? बगुला बन करके आ गया। आप लोगों ने बगुला देखे हो? कौन कौन बगुला देखे हो? आप देखना ये बगुला जब पानी में खड़ा रहता है वो एक पैर में खड़ा रहता है, एक पैर में खड़ा रहता है। बोले क्यों? बोले मछली को पता नहीं चले हैं मैं यहाँ पर कोई जानवर खड़ा है, कोई पक्षी खड़ा, जब सामने वो कोई मछली आए ना फिर झट बगुला पकड़ लेता है, एक पैर में खड़ा रहता है। इसलिए ऊपर से क्या लगता है ये बहुत बड़े साधु, लेकिन अंदर की भावना क्या, मछली आए तो पकड़ ली, इसलिए ये कपट है। ये क्या है? ये कपट है। इसलिए भगवान ने सिखा दिया, देखो अगर मेरे को अपना हृदय में बैठना चाहते हो ना, क्या करो, पहले अपना कपटता को त्याग दो, फिर तुम्हारी हृदय में मैं बैठ सकता हूँ। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। एक दिन कृष्ण गैया चराते, उन्होंने अघासुर को प्रभु ने वध किया, अघासुर को वध किया तो देवता लोगों ने देख करके भगवान की जयकार लगाई। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब ये जयकार धीरे 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 पहुंचा ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी बोले भैया ये देवता लोग जयकार क्यों लगा रहे हैं? ब्रह्मा जी उत्तर करके आए, देखा कृष्ण अघासुर को मारे और 5 साल उम्र में इतने भयंकर राक्षस था जिसको देवता लोग जिससे डरते थे। जब उन्होंने देखा अघासुर का ज्योति कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर गया, अभी ब्रह्मा जी तो आश्चर्य में पड़ गए। बोले भैया ये कौन है जिसके शरीर में ये ब्रह्म ज्योति भी लीन हो जाए। जब कृष्ण सखाओं को साथ में वन भोजन कर रहे थे, इतने में ब्रह्मा जी कृष्ण का बछड़े और सखाओं को चोरी कर लिया और कहां पर एक गुफा में उन्होंने रख दिया। इतने में कृष्ण देखे भैया मेरे बछड़े सखा कहां गए। कृष्ण समझ गए ब्रह्मा मेरी लीला को समझ नहीं पाए और मेरे को परीक्षा करना चाहते हैं कि सचमुच से क्या भगवान है। इसलिए ब्रह्मा जी अपना शरीर से बछड़े सखा जैसे तो ठीक वैसे सृष्टि की। कृष्ण खुद खुद को साथ में प्रभु जी लीला कर रहे थे। इतने में ब्रह्मा जी जब ब्रह्मलोक में पहुंचे ना, ब्रह्मलोक में पहुंचने से पहले कृष्ण स्वयं ब्रह्मा बनकर के पहुंच गए ब्रह्मलोक में और उसका जो दरबार थे ना, बोले देखो मैंने देखा मेरे जैसे कुछ बहु रुपया को घूमते हुए, अगर कोई आए तो अंदर में घुसने नहीं देना। बोले कोई चिंता मत करो,
जब ब्रह्मा स्वयं गए, उनका जो नौकर लोग थे ना, दंड लेकर भगाने भगाए ब्रह्मा जी को, बोला हमारे प्रभु तो बैठे, तू कैसे बैठ गया। ब्रह्मा जी ध्यान लगा करके देखा, भैया ब्रह्मा कौन बैठ गया, देखा कृष्ण ही ब्रह्मा बनकर बैठ गए। ब्रह्मा वहां से भगे गए और आए इसी संसार, हमारी मरते जगत में एक साल हो गया। फिर देखा कृष्ण एक साल पहले जैसे बछड़े सखाओं के साथ में लीला कर रहे थे, अभी भी लीला कर रहे थे वो तो ब्रह्मा। फिर चकरा गए, फिर देखा ध्यान दे करके कृष्ण, बोले देखो कि जितने बछड़े सखा है ना, ये कौन है, बोले सब नारायण 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 सब के सब। फिर तो ब्रह्मा समझ गए ये कृष्ण कौन है, मेरे पिताजी के पिताजी के पिता कौन है, श्री ब्रह्मा जी। फिर कृष्ण ब्रह्म की चरण में ब्रह्मा जी गिर करके प्रार्थना किए, बोले प्रभु मेरे अपराध को माफ कर दो। उन्होंने बहुत श्लोक बोले, देखो एक श्लोक हम सुनेंगे, ध्यान देकर सुना। अगर ये श्लोकों को कभी याद करोगे ना, देखना जीवन में कोई थोड़ी विपत्ति आए ना, कभी तुम भजन नहीं छोड़ोगे। लेकिन हम लोगों क्या करते हैं, भजन कर रहे हैं, अगर थोड़ी सी कोई बाधा विपत्ति बीच में आ जाए ना, खाना नहीं छोड़ेंगे, घूमना नहीं छोड़ेंगे, सोना नहीं छोड़ेंगे, पहले मलाई छोड़ देंगे। मानो माला छोड़ने के लिए पहले तैयारी बैठे और ठाकुर के ऊपर दोष देंगे, हम इतने भगवान के भजन किया, ठाकुर हमारे साथ में ऐसे किया। हाँ देखो ब्रह्मा जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं, अगर ये चीज को याद करोगे ना, भले ही दुनिया छूट जाए लेकिन प्रभु का भजन कभी नहीं छूटेगा। ठीक है, याद करो इस लोगो को सुनो, बोले तत्व निकम पास सुमिक्षमान भुंजामि एवात्मकृतम विपाकम विदधन नमस्ते। ब्रह्मा जी कहते हैं अपना जीवन में जो कुछ आए क्या समझो, कभी दूसरों के ऊपर दुख मत दिया करो, अरे अमुक वजह से हो गया उसने इसे कह दिया, नहीं हमने जैसे बीज बोते हैं वैसे फल होगा। जैसे आम का गुठली बोएंगे, बताओ वहाँ कौन सा पेड़ आएगा, आम का आएगा। अगर चीकू का बीज बोओगे वहाँ क्या नीम का वृक्ष आएगा, कौन सा वृक्ष आएगा, चीकू वृक्ष। अगर केले का पेड़ बोओगे बीज बोओगे वहाँ कौन सा वृक्ष आएगा, केले का आएगा। इसलिए हमने जैसे तुम अपना घर में कहीं हल्दी रखा, कहीं जीरा रखा, कहीं तुमने मसाला रखा, कहीं तेल रखा, तुमने जहाँ जहाँ पर सजा करके रखे हो, जब तुमने वहाँ पर हाथ मारे तो क्या हो गया बताओ। जहाँ हल्दी रखे हो, समझो इधर देखो, इधर उधर मत देखा करो, जहाँ पर तुमने हल्दी रखे हो जब वो वहाँ पर हाथ लगाओगी वहाँ क्या मिलेगा, हल्दी मिलेगा। जहाँ पर तुमने चावल रखे जब तुमने हाथ लगाओगे क्या मिलेगा, चावल मिलेगा। तुमने जहाँ पर तेल रखे अगर हाथ लगाओगे तो क्या मिलेगा, तेल ही मिलेगा। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं जीवन में जो कुछ आए ना, कभी किसको पर दोष मत लगा करके क्या करो, उसको भोग करते जाओ। अगर जीवन में दुख आ रहे मतलब है सुख आएगा। रात के बाद में क्या आता है, दिन है ना, दिन के बाद में क्या आता है, रात आती है। अगर रात हो तो बाद में फिर दिन आएगी, मतलब अगर कोई दुख है तो फिर बाद में क्या आएगी, रात आएगी, और रात हो तो उसके बाद में फिर हमारी दिन आएगी। ठीक है ना, देखो एक छोटी सी कहानी सुनो, अच्छे तरह से सुनो ध्यान लगा करके। एक समय दो भाई रहते थे, एक भाई तो एकदम पक्का नास्तिक और एक भैया खूब दिन रात ठाकुर का नाम ले, भजन करे, पूजा करे, भगवान की भक्ति करे। अभी जो भक्ति नहीं करता था, जो भक्ति करता था उसको हर समय क्या करता था, टोंटिंग करता था, बोले क्या दिन भर माला लेकर हरे कृष्ण करते रहते हो, क्या ये पत्थर को सामने दिन भर ठाकुर को बोलता पत्थर, ये क्या उसको सामने दिन भर बैठे रहते हो, बेकार है सबके सब, भजन भजन कुछ नहीं, भगवान भगवान कुछ नहीं। एक दिन क्या हुआ, दोनों भाइयों का निमंत्रण आया, दोनों भैया निमंत्रण में जा रहे थे, जाते समय इतने में जो भैया जो भाई उसको बंद कर, फैन को बंद कर दो भैया, ए लाइट वाले वहां चले जाओ, जाकर के फैन खड़े कर दो वहां पर, जाओ जाओ जल्दी जल्दी जाओ, अपना चुंदरी को ना ठीक से रखा करो, ऐसे नहीं चुंदरी कहीं उड़ रहे हो तुम कहीं जा रहे हो। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, ताली बजाते हुए बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय, ताली बजा करे
बोला गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय बोला गोविंद जय जय गोपाल जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा ताली बजाते हुए गोविंद जय जय गोपाल जय जय बोलो जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल मिठाई बोल हरि देखो माताओं की बात सूचित करना ध्यान देखो सुनो जैसे फ्यान चल रही ना जब उसको पास में जाओ जब उसको पास में जाओ अपना चुंदरी को कम से कम रखा करो ऐसे नहीं चुंदरी कहीं उड़ रहे हो तुम कहीं जा रहे हो ये फ्यान चल रही ना इसके फ्यान के अंदर में देखो तो चुंदरी चली जाती है और चली जाएगी तो क्या होगा फिर तुमको खींचेगी ठीक है जब फ्यान को सामने जाओ अपना चुंदरी को ध्यान से देख करके जाना हाँ बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की देखो इसको ध्यान देख रहे सुना क्या बोल रहा था मैं क्या सुना रहा था कौन बोलेगा बोले किसको याद है अभी मैं क्या सुना रहा था देखो इतने जल्दी भूल जाते फिर घर में क्या याद करते रहते हो देखो सात दिन में इधर सुना ऐसे नहीं यहाँ करके कौन कैसे साड़ी पहन करके आ रहा है कैसे कौन सूट सलवार पहन उसको ही देखा मत करो यहाँ आकर के कुछ ज्ञान की बात लेकर के जाओ किसी यहाँ से ज्ञान की बात लेकर के जाओ जिस बात को लेकर के जाओगे तो तुम्हारे जीवन में काम आएगी ठीक है ना इसलिए ये बात को लेकर जाओ कोई जैसे जीवन में कुछ काम में आए अगर सुनोगे तभी तो काम में आएगा यहाँ अगर सूट सलवार देखने के लिए आए हो कौन कैसे सुंदरी कैसे कौन साड़ी पहन करके आए हैं फिर तो घर में क्या लेकर के जाओगे यही चीज लेकर के जाओगे ध्यान देकर सुनो ये कथा को इसलिए दोनों भैया में क्या होता था एक नास्तिक एक आस्तिक था जो आस्तिक था जब दोनों भैया जा रहे थे निमंत्रण में और जो भजन करता था उसको क्या मिला एक सोने की मोहर मिल गया उसने कहा देखा तू तो दिन भर हरी हरी करते हो भक्ति करते हो तेरे को क्या मिला कुछ नहीं और मेरे को क्या मिला सोने की मोहर मिल गई उसने देखा भैया बात सही लेकिन और जब थोड़ी दूर गए ना जो भजन करता था उसको प्यार में एक लोहे की सीख जड़ गई खून बहने लग गया इतने में कहा देखा तुमने तुम इतने भगवान की भक्ति दिन भर माला जब करते हो तेरे को क्या मिला प्यार में सीख जड़ गई खून बह रही है और मेरे को क्या मिला सोने की मोहर मिला ना इसे भक्ति भक्ति बेकार है इतने में वो तो बड़ा दुखी हो गया बोले भैया बात सही है इतने में उसने बड़े दुखी होकर के ठाकुर को पुकारा बोले ठाकुर जी तेरे में इतने भजन करता हूँ पूजा करता हूँ और तुम मेरे साथ में ऐसे करते हो इतने में आकाशवाणी हुई क्या आकाशवाणी हुई बोले देखो ध्यान देकर के सुनो तुम्हारी पूर्व जन्म की कथा सुनो जिसको आज एक सोने की मोहर मिली ये पूर्व जन्म में इतने दान इतने पुण्य उसने किया था आज का दिन उसको राज दरबार में सिंहासन मिलने वाला था राज तिलक लगता लेकिन वो चुके मेरे और मेरे भक्तों को निंदा करता है मेरे और मेरे भक्तों को निंदा करता है इसलिए मैंने उसको सारे पुण्य मैंने नष्ट कर दी और एक सोने की मोहर देकर बोले इसको लेकर तू जा बोले तेरी बात सुन पूर्व जन्म में तुमने एक मर्डर किया था आज का दिन राज दरबार में तेरे को फांसी गले में फांसी में झूलता लेकिन तू मेरे पूजा पाठ करते हो भक्ति करते हो दिन भर इसलिए मैंने कहा देख लो तेरे प्यार में सारे तुम्हारी जो पाप को तो मैंने खत्म कर दी थोड़ी सी बाकी रह गई थी
इसलिए प्यार में एक सिख गड़बा करके तेरे को छोड़ दिया। और तुम ये मत समझो भक्ति करने वालों को दुख और भक्ति करने भक्ति नहीं करने वालों को दुख और करने वालों को सुख नहीं मिलता, ऐसे मत समझो। हमें पता नहीं पूर्व जन्म में हमने क्या क्या कर्म करते आए, समझ रहे हो? देखो और एक चीज समझो, कभी गेहूं की खेती तुम्हारी होती थी? किसकी खेती में? देखना, देखो अच्छे तरह समझो, देखना जैसे गेहूं की खेती करते हो ना, एक ड्रम होता था, वो ड्रम को अंदर में गेहूं डाल देते थे और नीचे एक छेद होता था, उससे जितना जरूरत है उसको निकालते थे। आपसे एक प्रश्न कर रहा हूँ, ये प्रश्न की उत्तर देना। जैसे इसी साल गेहूं की खेती हुई, लेकिन वो जो खेती हुई ना, गेहूं का था ना छोटा छोटा हुआ, उसको भी ड्रम में डाल दो। पिछली बार जब गेहूं की खेती की, गेहूं बहुत बड़ा बड़ा हुआ, उसको भी दाना ऊपर डाल दो। आप बताओ नीचे से जब निकालोगे सबसे पहले कौन सा गेहूं निकलेगा, बड़ा ना छोटा निकलेगा? हाथ उठा कौन बोलेगा, पहले कौन सा गेहूं निकलेगा, छोटा ना बड़ा? छोटा ना। बोले क्यों, बड़ा क्यों नहीं निकलेगा? तुमने तो बड़े गेहूं को ऊपर से डाले हो, तुम तो बड़े गेहूं को डाले है ना, बड़ा निकलनी चाहिए। यही चीज को समझो, पहले तुमने जो डाला है वो छोटा गेहूं डाला, बड़ा गेहूं आएगा, लेकिन जब छोटा गेहूं खत्म हो जाएगी फिर बड़ा गेहूं भी आएगा। अभी हमें दिख रहा है हम भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, लेकिन पहले हमने क्या करके आए हमें क्या पता? हमें तो ये बात पता नहीं ना, पहले जन्म में तुम क्या करके आए थोड़ी पता है। इसलिए अगर जीवन में थोड़ी बहुत दुख कष्ट आता है भक्ति करने वालों को, क्या समझो, मानो जीवन में बहुत बड़ी कोई विपत्ति थी, जैसे ठाकुर जी उसको प्यार में केवल सी गड़ा करके छोड़ दिया, बहुत बड़ी कोई विपत्ति जीवन में थी। चूंकि हम भगवान की भक्ति उनकी नाम पूजा करते हैं, ठाकुर जी क्या किया, बड़ी विपत्ति को छोटी कोई विपत्ति दे करके टाल दिया। क्यों? हम भगवान की शरण में हैं। लेकिन ये मत समझो हम भक्ति कर रहे हैं ठाकुर जी हमें दुख कष्ट क्यों दिया, नहीं, पहले हमारी कर्म का फल हमें पता नहीं। सुख आएगा लेकिन दुख जब खत्म हो जाएगी, रात के बाद में दिन आएगी, ठीक है ना? इसलिए ब्रह्मा जी कहते क्या करो, भजन कभी मत छोड़ा करो, कभी जीवन में भक्ति मत छोड़ा करो। और ठाकुर जी जिस जीवन में जो स्थिति में रखे हैं, जैसे किसी व्यक्ति को बोलो माला लेकर भजन करो, बोले अभी क्या भजन करेंगे, अभी बच्चों को शादी शुदा दे करके, अभी बच्चे शादी के लायक शादी शुदा दे देंगे बच्चों को, दे करके जब सारे काम से निपट जाएंगे ना फिर भजन करेंगे। भैया दुनिया अभी तक तो किसने काम से निपटा है? बोले भैया तू खुद निपट जाओगे, तेरे काम कभी निपटेगा नहीं, अभी तो किसका काम ही नहीं निपटा, खुद निपट जाओगे। इसलिए ब्रह्मा जी कहते स्थाने स्थितां श्रुति गतांग तनुबांग मनोभी, ठाकुर जी जिस अवस्था में रखे ये समझो ये सबसे बढ़िया स्थिति है। इससे बढ़िया स्थिति आएगी, कब आएगी, जब भगवान की भक्ति करोगे, भजन करोगे, पाप नष्ट होगा, तभी तो बढ़िया स्थिति आएगी ना। इसलिए कहते भैया जिस अवस्था में ठाकुर जी रखे उसी में रहो और क्या करो, ठाकुर जी का भजन करो। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर करके बोलो, आप बोलो मैं सुनूंगा, और जोर से कृष्णा कृष्णा देखो। और एक छोटी कहानी सुन लो, मन लगा कर सुन लो, ये तुम्हारी जीवन की काम में आएगा। बोले एक समय एक राजा और एक मंत्री थे, मंत्री बड़ा भक्त है, बड़ा भक्त भगवान की, हर बात बात में कहता था ठाकुर जी जो कुछ करते अच्छे के लिए, ठाकुर कभी किसकी अमंगल, क्योंकि जगत पिता जगन्नाथ है ना, पिता कभी बच्चों का बुराई थोड़ी सोच सकता है, पिता कभी बच्चों का बुराई कभी नहीं सोचता है। इसलिए जीवन में जो कुछ आए समझो भगवान की बड़ी दया, ठाकुर की बड़ी कृपा है। अभी एक दिन मंत्री राजा दोनों जंगल में गए, राजा शिकार खेलते खेलते राजा का ये अंगुल कट गया। राजा ने कहा महामंत्री मेरा अंगुल कट गया। राजा मंत्री तो बड़ा कृष्ण भक्त, बोले महाराज ठाकुर कभी अमंगल नहीं कर सकते हैं, जो कुछ हुआ ठाकुर का जरूर इच्छा भगवान मंगलमय, जो कुछ करते मंगल ही करते हैं। बोले महामंत्री
ये जिंदगी भर के लिए मेरे अंगुल कट गया। अब कहते हो ठाकुर जी जो करते अच्छे करते हैं। फिर मंत्री ने कहा देखो ठाकुर कभी अमंगल करते ही नहीं, क्योंकि ठाकुर जी मंगल भवन अमंगल हरी, ठाकुर कभी अमंगल करते ही नहीं। राजा को तो बड़ा क्रोध आया, वहां पर सूखा कुआ था, बोले ठाकुर जी जो करते अच्छे के लिए, बोले जो करते अच्छे के लिए, और बोले तेरे अच्छा करता हूं। उन्होंने मंत्री को धक्का मार करके उन्होंने कुएं में उन्होंने गिरा दिया, बोले ये अंधकार कुएं में पड़े रहो, ठाकुर तेरे मंगल करेंगे। अभी राजा वापस चला गया। जब चला गया इतने में एक डाकू का सरदार माँ भद्रकाली देवी को सामने मनोत किया था, बोले माँ अगर मेरे घर में एक लाला की जन्म हो जाए तेरे पास में एक नर बलि दूंगा। अभी किसी कारण से उसको घर में एक बेटा की जन्म हो गई। राजा तो खुश हो गया, बोले डाकुओं को बोले देखो जो जंगल में मिले ना उसको पकड़ करके ले आओ, माता जी को सामने में बलि दूंगा। और घूमते घूमते मिला राजा, बड़े लंबे चौड़े देखने में, खुश हो गए, बोले भैया मैया तो बड़ी खुश हो जाएगी, बड़े लंबे चौड़े राजा। अब इसको पकड़ करके माँ को पास में बलि चढ़ाने के लिए ले गए। जब बलि चढ़ाने ले गए, उठाया तलवार उसको गले में मारने के लिए, जब तलवार उठाए, नियम है माता जी को पास में वही चीज बलि चढ़ सकती है जो पूर्ण हो, शरीर अगर भंग हो कटा हुआ शरीर हो तो माँ देवी के सामने बलि नहीं चढ़ सकती। उठाया था तलवार, राजा तो छटपट छटपट कर रहा था, किसको फेर में मैंने पड़ गया, लेकिन ये देखा ये अंगुल से खून टपक रहा है, अंगुल से खून टपक रहा था, तलवार उठाया था उन्होंने, तलवार नीचे रख दिया, बोले ये माँ देवी की भोग के लायक नहीं, क्योंकि इसका अंगुल कटा हुआ है, उसको छोड़ दो। जब उनको छोड़ दिया ना, राजा सोच रहा है, बोले देखो ये मंत्री जो बोल रहा था सही बोल रहा था, भगवान जो कुछ करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, अगर ये मेरे अंगुल कटा हुआ नहीं होता है ना क्या होता, मैं पूरा के पूरा माँ को सामने बलि चढ़ जाता। उसको विश्वास हो गया, वहां से वापस आया, मंत्री को कुएं से निकाला, बोले मंत्री जो बोल रहा था सही बोल रहा था, ऐसे ऐसे बात है। राजा ने कहा देखो मंत्री, ठाकुर तो मेरे कल्याण किया, ठाकुर मेरे कल्याण कर दिया, अंगुल कट गया बच गया, लेकिन तेरे क्या कल्याण हुआ, लेकिन तेरे को तब से अभी तक ये कुएं में मैंने डाल कर बैठा, अंधकार कुएं में तू पड़ा रहा, तेरा क्या कल्याण हुआ। बोले राजा तेरा थोड़ी कल्याण, कल्याण तो मेरा ही हुआ है, अगर तुमने ये कुएं में मेरे को नहीं फेंक करके मेरे को साथ में ले जाता, तेरा तो अंगुल कटा हुआ, तेरे को तो छोड़ देते, मैं तो पूरा के पूरा था और मेरे को माँ को सामने बलि चढ़ा देते, इसलिए कल्याण किसका हुआ, मेरा ही हुआ। इसलिए ठाकुर जी जो कुछ करते हैं किसके लिए करते हैं, अच्छे के लिए करते हैं। कौन कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं। इसलिए ठाकुर जो स्थिति में रखे उसी में प्रसन्न रहो, उसी में खुश रहो, और क्या करो भगवान की भजन करते रहो, भगवान की भक्ति करते रहो, और जितने जल्दी हो ना भगवान की भजन में लग जाओ, दूसरे काम को पीछे रख लो, बेटा बेटी शादी पोती तो होता रहेगा, ये तो जीवन लगता लगा हुआ है, ये तो होता रहेगा, लेकिन अगर ये मान होगा शरीर तुम्हारी नष्ट हो गई, भगवान फिर दोबारा ये जीवन ठाकुर नहीं देंगे, समझ रहे हो। इसलिए कितना कल कर सो आज करो और आज कर सो अब, इसलिए पल में प्रलय होगी बहुरी रहेगी कब, इसलिए गंदे काम के लिए पीछे रख दो, लेकिन भगवान की भजन के लिए आगे, सबसे आगे प्रभु की भजन रखो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले एक दिन कृष्णा सखाओं के साथ में खेलते खेलते काली हरत के पास में पहुंच गए। जब काली हरत के पास में पहुंचे और वहां पर काली रहता था और इतनी उसकी जहरीला था, ऊपर कोई चिड़िया भी उड़ करके नहीं जा सकते, आसपास में पेड़ पौधा नहीं, इतने जहरीला पानी जैसे पानी उबलता था। कृष्ण की सखा लोग गए और वहां पानी स्पर्श करते ही वहीं पर बेहोश हो गए। भगवान कृष्ण उनको दिव्य दृष्टि से उनको प्राण दिए। बोले सखाओं जब गरुड़ जी अमृत लाया था इसी वृक्ष के ऊपर रखा था, तुम लोग वहीं पर खड़े रहो, मैं अमृत उतार करके लाऊंगा और तुमको खिलाऊंगा। कृष्ण अपना कमर में कपड़े को कस करके पेड़ के ऊपर चढ़े और धड़ांग करके छलांग लगाए। जब लगाए उसमें काली
गुफा को अंदर में रह रहा था और उसको अंदर में पानी घुस गया और कृष्ण तैर रहे थे। अभी कालिया सोच रहा है, भैया ऐसे है कौन, ऊपर में कोई चिड़िया तक भी नहीं जा सकते हैं, आसपास में कोई पेड़ पौधा नहीं, पर ये पानी में तैर रहा है कौन है। कहते पानी में, अरे कौन तैर रहा है पानी में। लेकिन कालिया का जो पत्नियां थी ना, वो बड़ी कृष्ण भक्त थी, बड़ी कृष्ण भक्ति करती थी, लेकिन कालिया बड़ा दुष्ट, बोले भगवान भगवान कुछ नहीं, वो गैया को पीछे पीछे डोलता है, वो भगवान कैसे हो गया। लेकिन उनको पत्नियां समझाए करती थी, नहीं ये साक्षात भगवान, कभी इनके साथ में बैर कभी मत खड़ा करो। इतने में कालिया ने कृष्ण को देख करके उनकी मर्म स्थान में उन्होंने दंशन करने लगा। कृष्ण ने कहा, देखो पहला बारी तेरे ही, बाद में मेरे नंबर बाद में आएगा। इतने में कालिया जब कुछ भी नहीं कर पाए, उनने कृष्ण को शरीर में लपट गए। जब लपट गए, इतने में सारे ब्रज में अनहोनी होना शुरू हो गई। सारी ब्रजवासी वहां पर, सारे ब्रजवासी आ गए और सबके सब कालिया हृदय में प्राण को त्याग देना चाहते थे। इतने में बलदेव प्रभु सभी को बोल रहे थे, नहीं अभी अभी कृष्ण आएगा, अभी अभी कोई चिंता मत करो, कृष्ण आएगा तो फिर प्रेम किसको करोगे, वो किसको प्रेम करेगा, इसलिए अभी कोई चिंता मत करो। बलदेव प्रभु ने कहा, कन्हैया देख तेरी विरह में सारे ब्रजवासी बड़े दुखी है, अभी तू जल्दी निकल कर का। इतने में कृष्ण अपना शरीर को उन्होंने फुलाया, उसका गांठ गांठ टूटने लगा और कृष्ण पतले होकर के निकल गए और कालिया के सर के ऊपर चढ़ गए और चढ़ करके प्रभु नृत्य कर रहे थे। और नृत्य करते समय प्रभु जी कहने, हाँ देखो प्रभु जब नृत्य कर रहे थे, उनकी सौ फणा था, एक फण से दूसरे, दूसरे से तीसरे नाच रहे थे। सूरदास जी एक बड़े सुंदर पद लिखते हैं, अभी प्रभु जी आपको सुनाएंगे, बड़ा सुंदर पद है। बोल कालिया मर्दन भगवान की जय, जय जय श्री राम। गेंद बड़ा तो कम हो गया। पांडव गति मुंडन पर, नाचत गिरिधारी सब
उसको मुंह से खून उलट रही थी और उनको जो पत्नियां थी ना बड़ी कृष्ण भक्त थी और दूर से देख रही थी, बोले ये मर जाए तो ठीक है, ये मर जाए तो ठीक है। बोले क्यों क्यों मर जाए तो ठीक है? बोले एक तो भजन करता नहीं और हमें भी भक्ति करने के लिए बाधा देता है, हमें भी भजन करने के लिए बाधा देता है। इसलिए जब श्री तुलसीदास जी का नाम सुने होंगे, जब मीरा भक्ति कर रही थी, मीरा के पूरा परिवार विरोध थे, उसका सास ननद ससुर पति जेठ सबके सब विरोध थे, कोई कृष्ण भक्ति नहीं करते थे और मीरा को भी भक्ति करने नहीं देते थे। इसलिए मीरा ने तुलसीदास के पास में पत्र लिखे, बोले बताओ अभी मुझे क्या करनी चाहिए। तब श्री सूरदास जी बड़े सुंदर श्री श्री तुलसीदास जी कहते मीरा के पास में एक पत्र लिखते हैं, देखो पत्र क्या कहता है। बोले जिनके हिंदी समझते हो, कौन कौन हिंदी समझते हैं? सब समझते हैं। देखो क्या कहते हैं, बोले जिनके प्रिय ना राम वैदेही तेजियो कोटि बैरी समझ यद्यपि परम सने। कहते जिनके प्रिय प्रभु राम और सीता नहीं है, बोले करोड़ सत मान कर त्याग दो उनको। क्यों? ये जो जीवन मिला है भजन के लिए, ये जीवन किसके लिए मिला? ठाकुर को भक्ति करने के लिए मिला। अगर इसी जीवन में तू भजन नहीं किया, फिर गधे कुत्ते होकर जंगल, गधे कुत्ते होकर। फिर उन्हें प्रमाण दिया, देखो बोले तेजत पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने अपना पिता को त्याग दिया। बोले क्यों? उसको पिता बोलता था हरि की भजन छोड़ दे, लेकिन प्रहलाद क्या बोलता था? बोले तुम्हें छोड़ दूंगा लेकिन हरि भजन नहीं छोड़ूंगा। इसलिए लास्ट में खंबे से नरसिंह देव प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप को वध किया उन्होंने। इसलिए उन्होंने पिता को त्याग दिया। बोले माँ को बोले भरत ने त्याग दिए, बोले राम सीता को वनवास तुमने दे दिया,
अगर प्रभु राम नाराज नहीं होते ना तेरा गला भी काट देता, लेकिन प्रभु राम नाराज हो जाएंगे इसलिए मैंने तेरे को छोड़ दिया। जिंदगी भर उसको मार कभी नहीं बोला। कहते भाई भाई को कौन त्याग दिया, बोले विभीषण। विभीषण रावण को समझाया, देखो हम पुलस्त वंश धरे, हमारी कर्तव्य नहीं पराई स्त्री को उठा करके ले आना। ये सीता कौन है, ये जगदम्बा जग जननी माँ लक्ष्मी है, इसलिए तुमने लक्ष्मी को उठा करके लाए। ये काल है, ये स्त्री नहीं, ये लक्का को ध्वंस करने के लिए सीता आई। अगर लक्का को बचाना चाहते हो ना, जाओ सीता को वापस दे दो प्रभु राम। बोले तुम मेरे को उपदेश दे रहे हो, ला तुम्हारे विभीषण को। और विभीषण क्या किया, प्रभु राम के शरण में चले गए। भाई को उन्होंने त्याग दिया। उन्होंने बोले गुरु, गुरु को किसने त्याग दिया, बोले श्री बलि महाराज ने, क्योंकि भगवान की दान देने के लिए मना करता था प्रभु को। बोले प्रभु को दान मत दिया कर, बोले बोरिया दुनिया प्रभु का, प्रभु मेरे पास में भीख मांगने के लिए आए, प्रभु को नहीं दूंगा तो किसको दूंगा। फिर उन्होंने अपना गुरु जी को उन्होंने त्याग दिया, इसलिए फिर क्या हुआ, फिर भगवान को उन्होंने ठाकुर जी को प्राप्त किया है, भगवत प्राप्त की। इसलिए दूर से उनकी पत्नियां देख रही थी, बोले मर जाए तो अच्छा है, ये भक्त भजन तो करता नहीं और हमें भी भक्ति करने नहीं देता। लेकिन इधर क्या हुआ, जब ठाकुर जी काली के सर पर नृत्य करते करते सारे खून उल्टी होने लग गई, अभी तो समझ गया अभी मैं मरने वाला हूं, अभी मैं मरने वाला। पत्नियां जो कहती थी ये कृष्ण भगवान, सही कृष्ण भगवान है, इतना छोटा सा बालक सर के ऊपर खड़ा हुआ, ऐसे लग रहा है क्या है, विश्व ब्रह्मांड का सारे बोझ मानो मेरे सर के ऊपर आ गया, मेरे सर के ऊपर आ गया। इतने में उन्होंने मन मन में उन्होंने श्री कृष्ण के चरण में शरणागत हो गए। हे प्रभु मेरे प्राण बचाओ, आप भगवान हो। अभी काली पत्नी ने देखा, अभी पति रहनी चाहिए, पति क्या होनी चाहिए, रहनी चाहिए। बोले क्यों पति रहनी चाहिए, बोले क्योंकि जो काली था वो दुष्ट था, प्रभु नृत्य करते 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 क्या किया, सारे उसका अहंकार खत्म हो गया, अभी उन्होंने कृष्ण चरण में शरणागत हो गया। अभी मेरे जो पति है ना वो कृष्ण भक्त बन गया। अगर कोई कृष्ण भक्त बनता है पति, बोले भैया ऐसे पति तो रहनी चाहिए। बोले क्यों रहनी चाहिए, ध्यान देकर सुनो, स्त्रियों को एक नाम है अबला, क्या नाम है वो, हरे कृष्ण माता जी, वहीं पर बैठने दो, किसको अंदर में आने मत दिया करो, अभी जो साड़ी फाड़ी ला रहे हो ना आप पकड़ करके बैठो वहीं पर, जब रुक्मिणी कृष्ण की शादी होगी तभी देना, यहाँ पर अंदर में किसको आने मत देना, माता जी अंदर में किसको आने नहीं देना, तुम वहीं पर बैठ जाओ, ये बारम्बार आ करके ना कथा में सामने बैठ जाओ, इधर किसी को भी आने मत दिया करो, उधर बैठ जाओ, उधर जाकर किसी को आने मत दिया करना, इधर कोई आए तो बोलना बाद में देना, महाराज ने मना किया, ठीक है अगर कोई एक आ जाए तो फिर तुम खड़े कर दूंगा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अरे इसलिए कहते पति जीवित क्यों रहनी चाहिए, देखो स्त्रियों के लिए बताया, स्त्रियों को अबला बताया, जब माता एक छोटी बच्चे हो पिता माता के अधीन में रहो, जब बड़े हो जाओ अपना पति के अधीन में रहो, और जब बड़ी बूढ़ी हो जाओ, जवानी हो जाओ पति के अधीन में, और जब बड़ी बूढ़ी हो जाओ अपना बेटे के अधीन में रहो। इसलिए स्त्री जातियों को कभी स्वतंत्रता दी नहीं गई। उदाहरण दिया, स्त्री जाति कैसे है, जैसे आटा को गूंद करके अगर छत के ऊपर रख लोगे क्या होगा, कौवा खा जाएगा। अगर आटा को गूंद करके घर की कोने में रखोगे क्या होगा, चूहा खा जाएगा। इसलिए जो स्त्री जाति को बताया ये ऐसे है, कभी भी स्त्री जाति की स्वतंत्रता नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो हमें रावण उठा कर ले जाएगा, कौन उठा कर ले जाएगा, फिर हमें रावण उठा करके ले जाएगा। इसलिए हर समय, इसलिए पत्नियों ने देखा अभी तो हमारा जो पति है ना भक्त बन गया, अभी जो पति भक्त बनता है फिर क्या होगा। देखो अगर किसकी पत्नी बड़ी प्यारी हो, बहुत सुंदरी हो, अगर कम उम्र में अगर पति मर जाएगा तो क्या होगा, उसको ऊपर में दूसरे पुरुष लोग कुदृष्टि से देखने लग जाते हैं। अगर जिसकी पति होगा मांग भरी सिंदूर होगा, सब समझ नहीं इसको रक्षा करने वाले कोई है, इसका पति है। इसलिए क्या करनी चाहिए, माताओं को मांग भरनी चाहिए, सिंदूर लगानी चाहिए, ये हमें रक्षा करता है। जब हमारे ऊपर में कोई देखे, जब ये सिंदूर मांग को देख लेना, क्या समझते हैं,
ये अवला नहीं, इसका कोई पिच है, इसके पति है, इसलिए हमारी ऊपर में कुदृष्टि कोई नहीं डालती है। इसलिए उन्होंने माताजी इधर किसको आने मत दिया करो, ये कथा को बीच में किसी को यहाँ आने नहीं देना, जो चावल ला रहे हो सुदामा चरित्र होगा ना तब देना है, और कृष्ण रुक्मिणी के विवाह में देना, जो लेकर के आ रहे हो सो पीछे बैठाओ, किसी को भी यहाँ आने नहीं देना। इसलिए हाँ, इसलिए यहाँ पर श्री नाग पत्नियां आकर के प्रभु को स्तुति करने लग गई, बोले प्रभु हमारे पति को मत मारो, हम विधवा हो जाएंगे। कृष्ण ने कहा तुम्हारे पति को नहीं मारूंगा, क्योंकि तुम लोग मेरी भजन करते हो, जो मेरे भजन करते हैं ना उनको पति को मैं कभी नहीं मारता हूँ, क्योंकि तुम मेरी भक्ति करते हो, इसलिए तुम्हारी पति में अभिमान आ गया था, इसलिए पति का अभिमान को दूर कर रहा था, इसलिए कभी तुम्हारी पति को मैं नहीं मारूंगा तू, क्योंकि तुम मेरी भक्ति कर रहे हो, तुम मेरी भजन कर रहे हो। भगवान छोड़ दिए इसको, बोले यहाँ छोड़ करके चले जाओ रमण के द्वीप में, क्योंकि ये मेरी लीला भूमि होगी, बोले वहां पर गरुड़ खा जाएगा, बोले चिंता मत करो, तेरे सर के ऊपर मेरा चरण चिन्ह है, इसको देख कर गरुड़ तुमको प्रणाम करेगा, गुरु भाई हो गए हो। फिर वहां से चले गए, फिर भगवान अपना दिव्य दृष्टि से उन्होंने जमुना पानी को उन्होंने पवित्र बना दिए, फिर उन्होंने कृष्ण की वो क्रीड़ा भूमि हो गई। देखो कहते कथा की शिक्षा क्या है, कहते हमारा जो हृदय है ना यही यमुना नदी, लेकिन उसमें कालिय की निवास हो गया, कालिय मतलब क्या, काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य आ गया, इसमें कालिय आ गया है, इसमें जहरीला भर गया, ईर्ष्या द्वेष छल कपट से भर गया, लेकिन ये दूर कैसे होगा, अगर कभी भगवान कृष्ण कृपा करके छलांग लगाए और अपना चरण की ठोकर मार मार करके अगर ये कालियों को भगा दे, फिर एक दिन क्या होगा, हमारा हृदय भी पवित्र हो जाएगा। इसलिए क्या करो, अपना हृदय में कृष्ण को बैठा दो, हृदय में भगवान कृष्ण को हृदय में बैठा दो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। एक दिन भगवान कृष्ण गोपियों ने कात्यायनी व्रत की, भगवान को देखो ये मंत्र सुनो, ये बच्चों को आगे और मत आना, माता जी इधर देखो कि बच्चों को और आगे आने मत देना, ठीक है, अब चुपचाप बैठ के कथा सुनो। इसलिए एक समय ब्रज गोपियां, देखो ये मंत्र भी याद कर लो, ये जो मंत्र है ये कात्यायनी महामाये महाजोगी नदीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नम, ये मंत्र दो काम करता है, अगर जिन जिन लड़कियों की शादी नहीं होती है अगर ये मंत्र को पाठ करोगे ना बड़े जल्दी आपकी पति मिल जाएगी, बड़े जल्दी पति मिल जाएगी। अगर इसी मंत्र से अगर कृष्ण को सोचोगे कृष्ण हमारे पति बने, कृष्ण भी पति हो जाएंगे। देखो ये मंत्र में बड़ा शक्ति है, बोले कात्यायनी महामाये, बोले महामाये के जो संभव को असंभव और असंभव को जो संभव कर सकते हैं, बोले महाजोगिनी जो अद्भुत शक्ति रखती हैं, हाँ अधीश्वरी हैं, कहती ये क्या करती हैं, नंद गोप सुतम देवी, अगर हे देवी हे कात्यायनी अगर आप हमारे ऊपर कृपा करते हो, नंद के लाला हमारी पति बन जाए। एक महीना तक इन लोगों ने पूजा की, भगवान कृपा करके दर्शन दिए, बोले शरद पूर्णिमा में रास करूंगा। अभी भगवान कृष्ण बंसी बटे को नीचे आए, बड़ी सुंदर उन्होंने बंसुरी बजाई, लेकिन बंसी से कौन सा शब्द निकले, बोले जगो कलो बाम दृशा मनोहरा, उन्होंने बंसी ध्वनि से क्लिंग शब्द निकले, ये जो क्लिंग शब्द कृष्ण तक क्लिंग शब्द उच्चारण किया, लेकिन राधा रानी क्या सुन रही थी, बंसुरी से केवल राधे 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 राधे, विशाखा क्या सुन रही थी, बंसुरी से केवल विशाखा विशाखा शब्द, ललिता क्या सुन रही थी, बंसुरी से केवल ललिता ललिता शब्द निकल रहा। कोई श्रृंगार कर रही थी, कोई पति सेवा कर रही थी, कोई बच्चे को दूध पिला रही थी, कोई एक आंख में काजल पहनी, जब उन्होंने बंसी ध्वनि सुने उसी अवस्था में सब कुछ छोड़ करके कृष्ण के पास में भगे। लेकिन कुछ गोपियां तो निकल करके आ गई, लेकिन कुछ आ नहीं पाई, बोले क्यों, कुछ को तो पति रोक लिए, बोले खबरदार रात को बीच में कहां जा रहे हो, अगर घर से निकलोगे ना टांग तोड़ दूंगा सबके सब, घर से निकलना नहीं,
इसलिए कुछ को रोके और कुछ को नहीं रोक पाए। रोके किसी को, रोके नहीं पाए किसको, मतलब जिनकी शरीर में पतियों का कोई संबंध नहीं था वो शरीर पवित्र था, और जिनकी शरीर से पति का संबंध हो गया था वो शरीर अपवित्र है, वो कृष्ण सेवा के लायक नहीं, इसलिए उनको गोप लोग ने रख लिया। लेकिन उन लोगों ने हृदय से भगवान को पुकारे, हे श्याम सुंदर, आज आपकी दिव्य रास में, रास मतलब रस है, क्या हम सम्मिलित नहीं हो सकते हैं? जब हृदय से भगवान को पुकारे, इतने में इनका जो ये शरीर है, जो ये जड़ से, इनका शरीर तो वहीं रह गई और वो आत्मा शरीर से छोड़ गई। बोले पति को, बोले पति को शरीर को तो तुम रोकोगे ना, लेकिन आत्मा को तो नहीं रोक सकते हो, वो आत्मा तो परमात्मा की अंश है। उन्होंने आत्मा को, शरीर को छोड़ करके आत्मा से कृष्ण के पास में पहुंच गए। जो पहुंचे भगवान कहते स्वागत में महाभागा, तुम सबको मैं स्वागत करता हूँ। बोले क्यों कृष्ण स्वागत करते हैं? बोले तुम लोगों ने संसार का सारे बंधन तोड़ करके मेरे पास में आए हो। कोई बच्चे को अगर दूध पिला रहे तो बीच में थोड़ी छोड़कर चले जाओगे, रसोई बना रहे हो थोड़ी चले जाओगे बीच में, पति की सेवा कर रहे हो थोड़ी छोड़कर चले जाओगे, कोई आधा गया दोहन क्या थोड़ी छोड़कर चले जाओगे। लेकिन इन लोगों ने संसार का सारे बंधन को तोड़ करके भगवान को पास में आए, इसलिए ठाकुर जी कहते तुम सबको मैं स्वागत करता हूँ, बड़ी भाग्यवती हो, क्यों मेरे पास में आए हो। कृष्ण शिक्षा देते हैं, जो लोग भगवान की कथा में आते हैं ना, सबकी घर में कुछ ना कुछ काम है, लेकिन जिन लोगों ने सब छोड़ करके ठाकुर की कथा में आते हैं, ठाकुर जी कहते मैं तुमको स्वागत करता हूँ, क्यों तुम लोगों ने मेरे कथा में तुम लोग आए हो, मेरे पास में आए हो। इतने में कृष्ण थोड़ी सी ठिठोल की, और जो स्त्रियों को ना कुछ शिक्षा देते हैं, बोले देखो तुम लोग का पतिव्रता नारी है, पतिव्रता नारी का धर्म है पति की परमात्मा मानकर के सेवा करे, भले ही पति लंगड़े लूढ़े निकम्मा क्यों नहीं हो, पत्नी के लिए पति कौन है, परमात्मा है। इसलिए जाओ, तुम लोग ये घोर अंधकार रात में आए हो ये ठीक नहीं, अपना घर में चले जाओ, अपना पतियों को तुम सेवा करो। कृष्ण ने कहा देखो गोपियां, एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, सुनो आप भी सुनो। अगर जो एक मन से पति की सेवा करेगा उसको कितने शक्ति है। बोले एक समय दो पति पत्नी थे, घर में अभी छोटे एक बालक का जन्म हुआ, वो बालक केवल घुटन पर ही चलना सिखा है, केवल इतना सिखा। अभी घर में जो रोसी बनाते थे कैसे, गैस तो थी नहीं, लकड़ी से और कंडे से रोसी बनाया करते थे, चूल्हा होता था। अभी बच्चा सो रहा था, पति पत्नी की जंघे के ऊपर सर रख करके पति सो रहा था, इतने में बच्चा का आँख खुल गई, वो बच्चा घुटन पर चलते चलते चूल्हे को पास में चला गया, अभी वो चूल्हे में गिरने वाला, पत्नी तो एकदम घबरा गई, बोले अभी अभी क्या होगा, बच्चा तो चूल्हे में गिर पड़ेगा तो मर जाएगा। लेकिन ये पति क्या कर रहे हैं, मेरे जंघे के ऊपर सर रख करके सो रहे हैं। अगर मैं पति को, बेटे को रक्षा करने के लिए जाऊं क्या होगा, पति का नींद खराब करना पड़ेगा, फिर मैं पतिव्रता स्त्री हूं, फिर क्या होगा, मेरी पतिव्रता धर्म मेरी नष्ट हो जाएगी। बोले जब बेटा मरना तो मर जाए कोई बात नहीं, लेकिन मैं कभी पति को कभी जगाऊंगी नहीं, मैं अपना पतिव्रता धर्म को मैं रक्षा करूंगी। सचमुच से देखते देखते ना बच्चा चूल्हे में गिर पड़ा, जब चूल्हे में बच्चा गिर पड़ा वो तो एकदम कांप उठी। थोड़ी देर बाद में पति का नींद खोला, बोले लाला कहाँ है, बोले लाला तो चूल्हे में गिर पड़ा। बोले तुमने लाला को बचाया नहीं, बोले आप मेरे जंघे के ऊपर सर रख करके सो रहे थे, फिर आपका नींद मेरे को खराब करना पड़ता, मैं के पतिव्रता नारी, फिर मैं पतिव्रता धर्म कैसे छोड़ सकती हूँ। बोले चलो चलो देखते हैं लाला को क्या हुआ, देखो इसकी पतिव्रता धर्म में इतने शक्ति थी, वो जो अग्नि है ना उसको सामने शांत हो गया, देखा वो बच्चा आग में किलकारी मारते हुए खेल रहा था, और उनने बच्चे को उठा करके उन्होंने ले आए। कृष्ण ने कहा देखा, जो स्त्री अपना पतिव्रता धर्म को रक्षा करती है उसमें कितने शक्ति तुमने देखा, इसलिए घर में वापस चले जाओ। फिर गोपियों ने कहा कृष्ण हम भी आपको एक छोटी स्टोरी सुनाएंगे। बोले सुनाओ। बोले देखो एक समय दो पति पत्नी रहते थे, अभी पति को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, पत्नी को बोला देखो कुछ दिन के लिए मैं बाहर जाऊंगा। बोले क्यों, जब से शादी के इकट्ठे रह रहे हैं, मैं जो ये श्रृंगार करती हूँ किसके लिए, तेरे लिए तो श्रृंगार करती हूँ, रोसे ही बनाती हूँ किसके लिए, बोले तेरे लिए।
ये बिस्तरा बनाती हूँ किसके लिए? बोले तेरे लिए। बोले घर साफ क्यों करती है? बोले तेरे लिए। जो कुछ करता हूँ तो तेरे लिए भी करता हूँ। बोले हाँ। बोले अगर तू चले जाओगे फिर मैं किसके लिए करूंगी? फिर किसके लिए करूंगी? बोले देखो मेरे को तो जाना ही पड़ेगा, कोई जरूरी काम आ गया, मेरे को जाना पड़ेगा। बोले देखो मैं जा रहा हूँ, अपना फटो देख करके जा रहा हूँ, जब तक नहीं आऊंगा ना ये फटो को तो पूजा करते रहना। अभी वो पतिव्रता स्त्री क्या कर रही थी? वो फटो को पूजा कर रही थी घर में। इतने में पति आ गया, पति आकर के दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा खटखटाया गोपियां कृष्ण को कहते, बोले कृष्ण अभी तुम बताओ वो स्त्री को क्या करनी चाहिए। बोले भैया जब असली पति आ गया फिर फटो को क्यों पूजा कर रहे हो? जब तुम्हारी असली पति आ गया फिर पति तुम फिर फटो को क्यों पूजा कर रहे हो? बोले कृष्ण तुम ही तो गीता में बताया ना। क्या बताया? बोले तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु स सखा तुमेव, तुमेव विद्यांग द्रविण तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। कृष्ण तुम ही गीता में ये बात को बताए, पिता अहम अस जगत धाता माता पितामह, ये विश्व ब्रह्मांड का पिता माता भाई बंधु मैं हूं। हे अर्जुन सब छोड़ करके मेरे शरण में आ जाओगे ना, तुमको सारे पाप से मैं मुक्त कर दूंगा, कोई चिंता मत कर। तुमने तो गीता में बताया ना, तुमने तो बंसुरी बजा करके तुमने मेरे को बुलाए। देखो पति कितने होते हैं आप लोग बताओ तो, पति कितने होते हैं? जोर से बोला नहीं, पति दो होते हैं। कहते एक तो शरीर का पति है और एक परम पति है। कहते एक शरीर का पति और एक हमारी परम पति। शरीर का पति कौन? ये जगत का जो पति है। और हमारे पति का जो पति, जो परम पति, जो परमात्मा कौन है? ठाकुर जी। इसलिए वो ठाकुर जी, इसलिए बोले परम पति तो तू है ना, परम पति तो तू है ना। इसलिए कृष्ण अभी तुमने इतने अच्छी अच्छी हमें उपदेश दिया है, और जो सुंदर सुंदर उपदेश देता है वो गुरु होता है। वो कौन होता है? वो गुरु। लेकिन तुम खुद बताए प्रथमं तो गुरु पूज्य, गुरु गोविंद दो खड़े काके लाग पाओ बलिहारी श्री गुरु जी जो गोविंद दे बताए। सबसे पहले गुरु जी की पूजा करो फिर गोविंद को पूजा करो। हैं तुम तो जगत गुरु कृष्ण है ना। जब गोपियों ने ये सब बात बताई ना कृष्ण खुश हो गए। बोले ठीक है। फिर भगवान गोपियों को साथ में रास किया। एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण। जो आंख में एक आंख में काजल पहनी थी कृष्ण दूसरे आंख में पहना दी। जो आधा कपड़ा पहन करके आई थी कृष्ण उसको पूरा कपड़ा पहना दी। जो गले की हार को कमर में, कमर की करधनी गले में कृष्ण ठीक सजा दिए। हैं जिसकी शरीर से पसीना निकल रहा था कृष्ण उनका पसीना को पोंछ रही थी। कृष्ण कभी कभी कहते थे गोपियां थोड़ा प्यार दबा दो, थक गई हो। देखो माताओं को अंदर में एक दोष भी है। क्या दोष जानते हो? जो पति पत्नी को ज्यादा प्रेम करेगा ना, पत्नी क्या करती है? पति के सर पर चढ़ बैठती है। इतने कृष्ण चापुरासी, इतने कृष्ण प्रेम कर रहे थे। गोपियां सोची भैया हमारा जैसे सौभाग्यवती जगत में कोई है नहीं, इतने कृष्ण इतने प्रेम करते। बोले प्यार दबा दो पसीना पोंछ लेते हैं। अभी इनके अंदर में ना राधा रानी का प्रति इनकी नेगलेक्ट भावना होगी। राधा रानी की कोई जरूरत नहीं, हम पूर्ण है। लेकिन कृष्ण ने देखा, गोपियां क्या देख रही थी? कृष्ण हमारे पास है, एक कृष्ण एक गोपी। लेकिन गोपियां क्या देख रही थी? कृष्ण और किसको पास में? नहीं, कृष्ण हमारे पास में। लेकिन राधा रानी अकेली देख रही थी कृष्ण मेरे पास में और कृष्ण हर गोपियों के पास में। अभी राधा रानी की मान हो गई। बोले क्या मैं सबके साथ में बराबर ही? मेरा नाम ही राधा। राधा मतलब क्या? जो विशेष पूर्वक कृष्ण को आराधना करती है। कहते क्या मैं सबके साथ में बराबर हो गई? अभी इतने में राधा रानी की मान हो गई। कृष्ण ने देखा ये गोपियों के अंदर में अभिमान आ गया है। अब ये गोपियों की अभिमान को दूर करना, राधा जी के मान को मनाना, वहीं पर कृष्ण अंतर ध्यान होकर चले गए। और जब कृष्ण अंतर ध्यान हुए इतने में गोपियां तो बाबरी बनी गई। अभी कृष्ण को ढूंढ रही, किस लता को, पता को, वृक्षों को, सबको प्रश्न कर रही थी, मेरे श्याम सुंदर कहीं देखे हो? इतने में ढूंढते ढूंढते सबको पूछ रहे थे, कोई उत्तर नहीं दे रहे थे। इन्होंने प्रश्न करते हैं किसको? पृथ्वी को। हे पृथ्वी तू तो सर्वत्र व्याप्त हो, तेरे को तो पता होगा ना कृष्ण कहाँ पर गए, तुमने हमने प्रियतम को देखे हो? जब पृथ्वी को प्रश्न कर रहे थे इतने में देखा कृष्ण की चरण चिन्ह,
बड़े सुंदर कृष्ण के प्यारे चरण चिन्ह जिसमें उन्हें से चिन्ह कृष्ण की पहचाने गई तो कृष्ण का चरण चिन्ह। लेकिन और जब थोड़ी दूर गए ना दोनों चरणों के बीच में और एक छोटी कोई किशोर जी की चरण चिन्ह, उसी समय श्री सुखदेव गोस्वामी इतने प्रसन्न हो गए, बोले देखो यद्यपि यहाँ पर सब गोपियां थी, गोपियां तीन तरह का है, एक स्वपक्ष एक विपक्ष और एक तटस्थ है, हाँ एक सुरुदी प्रख्य भी है, हाँ एक, इसलिए इतने में जो राधा रानी के पक्ष गोपियां सुखदेव गोस्वामी राधा रानी के पक्ष है, अब ये चरण चिन्ह देखकर पहचान गई तो राधा जी की चरण चिन्ह है। तब तो सुखदेव गोस्वामी कहते भैया यद्यपि यहाँ पर सब गोपियां तो थी लेकिन कृष्ण सबको छोड़कर किसको लेकर गए, बोले हमारी श्री राधा रानी को लेकर गए। मानो श्री सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर राधा रानी की जयकार देते हैं, बोले श्री राधा रानी की, अरे जोर से बोलो, बोले श्रीमती राधा रानी की, श्री वृषभानुराज नंदिनी की। और थोड़ी दूर गए देखा वो चरण है ही नहीं, बोले भैया चरण गया कहाँ। दूसरे गोपी कहती हैं ये तो हृदय में और भी पीड़ा देने वाले, बोले क्यों, बोले कृष्ण का चरण देखो दबा हुआ, मतलब क्या है, बोले कृष्ण उनको गोद में उठा करके लेकर गए तभी कृष्ण का चरण ज्यादा दबा हुआ है, हैं? ऐसे करते करते जब जा रहे थे कृष्ण राधा रानी को बड़ी सुंदर फूलों से श्रृंगार कर रही थी। कृष्ण बोले जल्दी जल्दी चलो यहाँ से, अगर गोपियां देख लिया ना फिर मान करके बैठ जाएगी फिर महारास नहीं होगी। राधा रानी मानिनी होकर के बोले मेरे को जैसे रास से उठा करके लाए थे ऐसे ही मेरे को उठा करके ले जाओ, बोले कंधे में बैठे, बोले बैठा दो। इतने में वहीं पर कृष्ण अंतर्ध्यान हुए और राधा रानी वहीं पर बेहोश होकर के राधा रानी गिर पड़ती हैं। फिर गोपियां आकर के राधा रानी को होश दिलाए, बोले देखो कृष्ण को उनका भजन बहुत प्यारा है, चलो जमुना किनारे में बैठ करके उनकी भजन गाएंगे, हैं? इसलिए गोपियों ने जो भजन गाए ना उसका नाम गोपी गीत, उसका नाम क्या है, गोपी गीत। अगर ये गोपी गीत को कहीं घर में गाओगे ना, इधर सुनो आप लोग तो घर में बहुत बहुत कुछ पढ़ते हो लेकिन अगर ये गोपी गीत को गाओगे ना कृष्ण कहीं नहीं रह सकते हैं, कृष्ण को वहां आना ही पड़ेगा, कृष्ण को इतने उसमें आकर्षण शक्ति है। और जिस घर में गोपी गीत गाएंगे, अगर जिस घर में भगवान कृष्ण आएंगे उस घर में तो मंगल मंगल, उस घर में मंगल ही मंगल है तो क्यों भगवान उस घर में आएंगे। इसलिए कोशिश करना है गोपी गीत गाने के लिए, अभी हम उसको दो तीन श्लोक को गोपी गीत को हम गाते हैं, आप लोग सुन लो। ज्योति ते धिका जान मना ब्रज Thank you.
जब गोपी गीत गाए भगवान मनमथ का मनमथ रूप प्रकट हुए, गोपियों ने चुंदरी से आसन बना करके भगवान को बैठाए और उनने प्रश्न किया। देखो तीन प्रश्न किया, बोले कन्हैया हमारी प्रश्न का उत्तर दो। बोले बोलो। बोले पहला नंबर व्यक्ति है जो भजन करने वालों को भजन करता है, दूसरा नंबर करे नहीं करे तभी करता, तीसरा नंबर करे नहीं करते जिसको साथ में कोई मतलब नहीं। बताओ तीनों में तुम कौन हो? कृष्ण ने कहा देखो जो भजन करने पर भजन करता है बढ़िया, जैसे किसी दुकान में गए 100 रुपया दिया, 100 रुपया का सामान दे दिया, हो गया, वहां कोई प्रेम का कोई मतलब नहीं, लेन देन है। दूसरा नंबर कौन करे नहीं करे तभी करता है, इसको ध्यान देकर सुनो, ये कौन है? बोले पिता माता। ये कौन है? पिता माता। देखना बेटा जितने नालायक हो जाए, बच्चा जितने निकम्मा हो जाए, लेकिन पिता माता क्या सोचते हैं? मेरे लाला है, मेरी बेटा है, मेरा बेटा है। इनके हृदय में बच्चों का प्रति स्वाभाविक स्नेह रहता है, स्वाभाविक स्नेह। इसलिए देखो एक समय कोई एक लड़की प्रेमिका किसी प्रेमी को किसी लड़के को बोला प्रेम हो गया, और लड़की ने अपना जो बेटे का प्रेम करता था बोला देख तभी तेरे को मैं प्रेम करूंगी अगर तेरे माँ की दिल को मार करके अगर ले आओ। वो तो पागल हो गया था, वो गई अपना माँ को ही मार दिया, अपना माँ को मार करके ना तो उसका दिल को ला रहा था, लाते लाते बीच में उसने ठोकर खा कर गिर गया। देखो वो आत्मा से आवाज आती बोले बेटा कोई चोट तो नहीं लगा तेरे, कोई चोट मतलब माँ की जो हृदय है ना, पिता माता के हृदय को हम समझ नहीं सकते, ठीक है ना। ऐसे नहीं जो पिता माता इतने सेवा की, घर में के बहू आ गई, बस पिता माता को भूल गए, पिता माता को भूल गए, अपना साला साहेब और अपना सास ससुर को ही सब कुछ कर लिया, अभी पिता माता को तीर्थ नहीं अपना साला को, हाँ साले को ले जा रहे हैं, और सास ससुर को नहीं, पहले अपना पिता माता को, पहले अपना पिता माता को तीर्थ कराओ, ठीक है ना। इसलिए क्या करनी चाहिए देखो ध्यान देकर सुनो, जितने बहुए हैं अपना सास को सास नहीं मानो, क्या मानो? ये हमारी माँ। और जितने सास हैं अपना बहू को क्या मानो? बोलो क्या मानोगे? इधर तो क्या मानो? बेटी, बहू नहीं, बहू नहीं, क्या मानोगे? बेटी। फिर घर का लड़ाई खत्म है, जब सास और बहू मानते हैं ना तभी घर में जितने झगड़ा है, अगर अपना बेटी मानोगे कभी बेटी जैसे देखोगे, बेटी जैसे सम्मान दोगे हैं, तभी क्या होगा घर में कभी लड़ाई नहीं होगी। इतना चीज अगर बांध करके ले गई ना, कहते घर में अगर गीता हो, बहू जैसे सीता हो, राम जैसे बेटा हो, घर नहीं वो घर भगवान की वैकुंठ धाम, भगवान की धाम, ठीक है ना। इतना चीज याद रखो, नहीं तो फिर तो जिंदगी भर लड़ाई करोगे, बहू सास की लड़ाई है जिंदगी भर करते लड़ाई करते रहोगे, ठीक है ना। और सवेरे उठ कर क्या करो, देखो जितने बहू है, बहू क्या यहाँ पर है, सवेरे उठ करके पहले सास ससुर की सेवा करो, चरण छुआ करो, ठीक है ना, चरण। और जितने बच्चे बैठे हो क्या करना, सवेरे उठ करके पिता माता की चरण छूना। बताओ तो कौन कौन छूते हो? सही सही बताओ, हाथ उठा, कौन अपना सास ससुर की चरण छूते हो और पिता माता की चरण छूते हो? कौन कौन बच्चे छूते हो? हाँ एक माता दो माता, हाँ ठीक है। देखो देखो इधर सुनो, अगर कोई बहू है अगर तुम सास ससुर की सेवा करके लाभ कैसे लाभ देगी, जैसे घर का जितने सोना चांदी किसको पास में? सास ससुर को पास में। जो बहू ज्यादा सास ससुर की सेवा करेगी फिर क्या होगा, जब बंटवारा होगी ना वो सास ससुर क्या करेगा, वहां से सोने चांदी जिस बहू सेवा करेगी उसको पकड़ा देगी, छुपा करके इसको तू रख ले, किसको बोलना नहीं, क्योंकि सेवा करती नहीं ज्यादा और जितना रहेगा उसको बंटवारा होगी। इसलिए सेवा से ही लाभ है, सेवा से ही मेवा मिलेगा। इसलिए हर समय क्या करो, बड़े बूढ़ों की सेवा करनी चाहिए, उनके आशीर्वाद से बल वीर्य श्री लक्ष्मी सब बड़ों की सेवा से। यहाँ पर भगवान, यहाँ पर कृष्ण खुद कह रहे हैं, बोले तीसरा नंबर कौन है? करे नहीं करे कोई मतलब नहीं, ये कौन है? ये चार ही तरह के हैं, आत्मा राम, आप्त काम, गुरु द्रोही और अकर्तव्य। ए पीछे कौन बैठे, ये बच्चे जो खेल रहे हैं उनको खेलने मत दिया करो, पीछे कौन बैठे हैं, ये बच्चों को कोई खेलने मत दिया करो, चुप कर बैठा दो, ये बच्चों को कोई खेलने मत दिया करो,
इनको सब भेज दो, नीचे भेज दो, जाओ एक भैया को उठ करके जाओ, अब उनको बच्चे को जो खेल रहे हैं बोले जाओ नीचे खेलो, यहाँ खेलने नहीं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। हाँ हरे कृष्णा, हरि ओ प्रभु जी, इधर आ जाओ, आप इधर आ जाना। ए माइक वाले, एक माइक दे दो, एक्स्ट्रा माइक। इसलिए इतने में बोले भैया वो कौन है, चार तरफ में तुम कौन हो? बोले भैया मैं कुछ भी नहीं, तुम लोग मेरे को ऐसे मत समझो, मैंने बीच रात में बुलाया और छोड़ दिया, नहीं, तुम लोगों का प्रेम को मैं देखना चाहता था, कितने तुम मेरे को प्रेम करती हो, हैं? तुम लोगों ने जो मेरे विरह में इतने भजन गाए, इतने कीर्तन गाए, मैं कहीं नहीं गया था, बीच में बैठ कर सुन रहा था, इसलिए मेरे को ऐसे मत समझो। प्रेम का दो पहलू, एक मिलन एक विरह। मिलन विरह में क्या होता है, मिलन में सामने होते हैं, लेकिन विरह में सर्वत्र स्फूर्ति मिलता है। जैसे पति घर में है, अगर कुछ दिन बाद में देखना क्या होता है, पहले पत्नी तो लगता है चंद्रमुखी, बाद में फिर सूर्यमुखी, फिर ज्वालामुखी। अगर पति अभी नहीं आए और 6 महीना 5 साल में आए, देखना पत्नी पति की कितने सेवा होगी। इसलिए हे गोपियां, मैं तुमको कहीं छोड़कर नहीं गया, बीच में बैठ करके तुम्हारी भजन सुन रहा था, तभी तो मैं बीच में प्रकट हुआ हूँ ना। जब भगवान संतुष्ट हो गए गोपियां, फिर भगवान ने महाराज किए, प्रभु जी महाराज के भजन करेंगे। और तुम लोग तो गुजरी हो, गुजर को नहीं कृष्ण, गुजरिया खोल खेवरिया, तेरे घर में आया हूँ, इसलिए गुजर कृष्ण है और गुजर श्री राधा रानी। अभी काली काली क्या प्रभु जी, काली काली क्या है? काले रंग पे मोरनी, काले रंग पे मोरनी रिटर्न करे। इसलिए प्रभु जी एक रास का भजन गाएंगे, जो गुजरी होगा ना वो जरूर नाचेगी, और जो गुजरी नहीं होगी वही नाचेगी नहीं। बोलो रास बिहारी भगवान की जय, जय श्री राधे। अरे सागर सिया से हो गई मेरी यारी, ओ सागर 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 सिया से हो गई मेरी हो गई मेरी यारी, यारी लागे प्यारी, हो गई मेरी यारी, यारी लागे प्यारी। अरे सागरे सागरे नसिया से हो गई मेरी, सागरे नसिया से हो गई मेरी यारी। रुपिया मेरे नाथ दिखावे, रुपिया मेरे नाथ दिखावे, रुपिया मेरे नाथ दिखावे, रुपिया मेरे नाथ दिखावे, खुद खावे हुआ मन को दिखावे, खुद खावे हुआ मन को दिखावे, अरे खुद खावे हुआ मन को दिखावे, खुद खावे हुआ मन को दिखावे। एक मेरो चिंत सुनावे, एक मेरो चिंत सुनावे, माखन चेहरे मुरारी आवे, सागरे सागरे सिया से हो गई मेरी यारी आवे।
मेरे सपने में आओ हे रसिया मेरे सपने में आओ हे रसिया मेरे सपने में आओ हे रसिया मेरे सपने में आओ देखो गुरुजी कह रहे हैं कि ये रसिया मेरे सपने में आवे लेकिन पीछे कोई ताली नहीं बज रहे तो कैसे आवे सपने में कैसे आवे रसिया कम से कम ताली ऐसी सेवा तो करो अरे ये रसिया मेरे सपने में आवे ये रसिया मेरे सपने में आवे वृंदावन में कन्हैया जब रासलीला रचा रहे थे तो वहां हजारों लाखों करोड़ों गोपियां थी लेकिन यहां दो चार पांच दिख रहे लाखों करोड़ों गोपियां रास रचा रहे थे कन्हैया के ये अगर गुजरी होती तो नाचती तो गुजरी कोई होती क्या और की भाषा देख क्या सही लोग बाजी बजा कर नाचेंगे प्यार से सागरे रसिया से हो गई मेहनिया अरे हो गई मेरी यारी हम तो प्यारी लागे न्यारी हो गई मेरी यारी हम तो प्यारी लागे न्यारी सागरे सागरे